सागर तथागत को वंदन करते हैं, उनके सुआख्यात तात्कालिक फल देने वाले धम्म को वंदन और सुप्रतिष्ठित मार्ग पर आरूढ़ 2500 वर्षों से संघ को नमन करते हैं। साथ ही साथ जितने भी हमारे महापुरुष जिन्होंने धम्म के चक्र को बार 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 आगे बढ़ाने का प्रयास किया, परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को भी अभिनंदन है, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आना के समस्त आयोजक, समस्त उपासक उपासिकाओं को खूब खूब साधुवाद और अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है, हम उस पर सीधा आते हैं। हमारा विषय जो है भिखुनी लीनेज, भिक्षुनियों की वंशावली। ये विषय बहुत ही जरूरी है और इस विषय पर चर्चा करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि 2500 वर्षों से आज भी ना केवल भारत में बल्कि जितने भी बौद्ध देश हैं सभी में केवल भिक्षुओं की संख्या हमें ज्यादा दिखाई देती है, जबकि भिक्षुनियों की संख्या हमें उतनी नहीं दिखाई देती है। यहाँ तक कि जो हम कहें उपासक और उपासिका हैं, तो उपासक और उपासिका भी पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन भिक्षुनियाँ अगर उनकी तुलना की जाए तो बहुत ही कम क्वांटिटी या संख्या जो है बहुत कम है उनकी। आप देखेंगे कि भगवान ने जब अपने चतुपरिसर की बात की है, अभी जो आपने नाम लिया बुद्ध चतुपरिसर, जहां से मेरी उपसंपदा हुई है, तो हमारी जो संस्था है थाईलैंड की, तो उनका संस्था का नाम ही है बुद्ध चतुपरिसर। बुद्ध की चार परिषद, और चार परिषद हैं भिक्षु, भिक्षुनी, उपासक, उपासिका। ये चार भगवान बुद्ध ने स्तंभ की तरह बताए हैं, कि जिस प्रकार से चार स्तंभ होते हैं, आप किसी भी छत को, किसी भी छाया को खड़ा करने के लिए आपको चार स्तंभ की जरूरत होती है, और यदि एक स्तंभ उसमें से कमजोर है, वीक है, तो वो छत जो है अच्छे से ज्यादा समय तक चल नहीं पाती है। इसी प्रकार से भगवान बुद्ध की जो धम्म है, उसकी जो छाया हमारे ऊपर है, उसकी जो छत हमारे ऊपर है, उसके लिए भिक्खु, भिक्खुनी, उपासक, उपासिका चार स्तंभ हैं, और ये चारों स्तंभ उतने ही मजबूत होने चाहिए जितना कि हमारा भिक्खु संघ है, भिक्खुनी संघ, भिक्खु संघ है, उपासक उपासिका है, उतना ही हमारा भिक्खुनी संघ भी होना चाहिए। आज का जो हमारा विषय है भिक्खुनी की वंशावली, हम देखते हैं कि 2500 वर्षों में बहुत सारी ऐसी हमारे भारत पर आक्रमण हुए, ना केवल भारत पर बल्कि जितने भी बौद्ध देश हैं सभी पर समय समय पर आक्रमण हुए, और कई देशों से भगवान बुद्ध के धम्म को नष्ट करने का प्रयास भी किया गया। काफी हद तक वो कहीं पर सफल भी रहे, लेकिन धम्म कभी पूरी तरीके से नष्ट नहीं हो पाया, हो भी नहीं पाएगा। तो जब हम एक बार जब थोड़ा सा नष्ट होता है, या कहीं पर थोड़ा सा डगमगाता है, या कमजोर पड़ता है धम्म या संघ, तो वहां पर उसे रिवाइव किया जाता है, उसका पुनरुत्थान किया जाता है, उसे दोबारा से जीवन दिया जाता है। तो जब भारत में आक्रमण हुए और भिक्षु भिक्षुओं को खत्म किया गया, उसके बाद में भिक्षु संघ रिवाइव हुआ। इसी तरीके से भिक्षुनी संघ भी रिवाइव होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पाया, और उसका कारण भी है जो आज की देशना में हमें पता चलेगा। तो भारत के अलावा, भारत में बाहर, अगर हम भारत के बाहर की बात करें, तो आप जानते हैं कि भारत से बाहर श्रीलंका में हमारे सम्राट अशोक जो है, उनकी पुत्री संघमित्रा भिक्षुनी बनी, और वो भिक्षुनी बनने के बाद में वहां पर श्रीलंका में गए, बोधि वृक्ष को लेकर के गए, और वहां उन्होंने अपना धर्म का प्रचार किया। लेकिन इसके बाद में भारत से भिक्षुनियां कहाँ गायब हुई, क्योंकि श्रीलंका के बाद में, संघमित्रा के बाद में भारत में बहुत ही कम भिक्खुनी का इतिहास मिलता है। एक या दो भिक्खुनियां हैं जिनका इतिहास हमें मिलता है, लेकिन वो भी बहुत डिटेल में हमें कहीं पर भी उसका विवरण नहीं मिलता है। हालांकि श्रीलंका में जो भिक्खुनियां हैं वो 11वीं शताब्दी तक मिलती हैं, ऐसा हमें उसका डिटेल भी हमें, काफी जानकारी भी हमें मिलती है 11वीं शताब्दी तक। लेकिन 11वीं शताब्दी के बाद और आज हम 21वीं शताब्दी में हम लोग जी रहे हैं, तो ये 800-900 साल, 1000 साल में ये भिक्षुनियां बिल्कुल समाप्त हो गई थी। तो इसका इतिहास हम लोग जानना पहले शुरू करते हैं कि भिक्षुनियां जो है, आपको पता है सभी को कि सबसे पहली भिक्खुनी, जो प्रथम संघ नायिका हमारी थी, भिक्षुनी माता महाप्रजापति गौतमी, भगवान से उन्होंने याचना की, भगवान ने उनकी याचना को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद आनंद की याचना करने पर, आनंद पंथे की याचना करने पर, भगवान ने महाप्रजापति माता को संघ में प्रवेश दिया, और वो भिक्खुनी संघ नायिका बनी, भगवान बुद्ध के संघ में प्रथम भिक्षुनी बनी। अब इसके बाद में उनके साथ में 500 शाक्यानी रानियां थी, और वो सभी जो है प्रवेश लेती गई संघ में, और वो पूरा भिक्खुनी संघ भी हमारा तैयार हो गया। लेकिन इसके कुछ कारण हैं। अगर हम देखें तो हम लोग जो है, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने भिक्खुनियां कभी चाही ही नहीं थी,
भगवान चाहते ही नहीं थे कि भिखुनी संघ निर्माण हो, और इसीलिए भगवान ने जो है भिखुनियों को अनुमति दी ही नहीं थी। ये तो आनंद की याचना करने पर भगवान ने अनुमति दी। देखिए वास्तव में तो ऐसा है कि अगर सच में भगवान नहीं चाहते तो भगवान को कोई जबरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकता था। अगर भगवान नहीं चाहते कि भिखुनी संघ को प्रवचित किया जाए तो भिखुनी संघ बनाया जाए, तो अगर भगवान ऐसा नहीं चाहते तो किसी के भी याचना करने पर ऐसा नहीं करते और वो उसके लिए ठोस कारण भी प्रस्तुत करते। लेकिन भगवान ने आनंद के याचना करने पर महाप्रजापति माता को जो है भिखुनी संघ में प्रवेश दिया, तो ये इसका मतलब उनके पास में कोई ठोस कारण नहीं था। जबकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि भगवान बुद्ध ने जब बोधि ज्ञान को प्राप्त किया तो बोधि ज्ञान को प्राप्त करने के बाद उनके पास में मार सेना आई और मार सेना ने भगवान से उसी समय याचना की कि भगवान आप महापरिनिर्वाण को प्राप्त कीजिए, अब आप सम्यक संबुद्ध हो चुके हैं या बुद्धत्व प्राप्त कर लिया है आपने, तो आप महापरिनिर्वाण को प्राप्त कीजिए। लेकिन वहां भगवान जो है वो मार सेना से कहते हैं कि जब तक मैं अपनी चार परिषद भिखुनी उपासक और उपासिका चार परिषद निर्माण नहीं कर लेता और ये चारों परिषद मेरे धम्म को ठीक ठीक समझने में उसका विश्लेषण करने में सक्षम नहीं हो जाते, तब तक जो है भगवान महापरिनिर्वाण के में प्रवेश नहीं करेंगे। तो वहां पर जब पहले ही बुद्धत्व प्राप्ति के तुरंत बाद भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मुझे भिक्खु संघ भिक्खुनी संघ उपासक और उपासिका चारों स्तंभ बनाने हैं, और फिर इसके बाद में कुछ वर्षों बाद जब महाप्रजापति ने याचना की और भगवान ने मना कर दिया, तो वहां जरूर कोई और ही कारण रहा होगा जिसकी वजह से भगवान ने महाप्रजापति को मना किया। अन्यथा अगर वो मना करना चाहते थे या नहीं बनाना चाहते थे तो मार सेना से पहले वादा ना करते। तो लेकिन यहाँ भगवान ने कुछ कारण नहीं बताया, जबकि हम देखते हैं कि बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, अलग अलग तरह के विद्वान हैं जिन्होंने जो है इसका कारण दिया है कि आप सभी जानते होंगे थाईलैंड की जो अभी आधुनिक युग में पहली भिक्षुणी है धम्मानंदा जी, तो उन्होंने कुछ कारण अपने बताए हैं अपने ज्ञान से, अपना जितना भी उन्होंने धम्म को स्टडी किया है उससे उन्होंने कुछ कारण बताए हैं, जिसमें भगवान ने उन्होंने बताया कि भगवान जानते थे कि भिक्षु जब चारिका करने के लिए जाते हैं, पिंडपात के लिए जाते हैं, भोजन स्वीकार करने के लिए जाते हैं, तो चारिका के समय बहुत बार ऐसा होता था कि भिक्षुओं को बहुत कम भोजन मिलता था और कई बार भोजन मिलता भी नहीं था। कई बार मिलता था तो केवल एक रोटी ही मिलेगी या एक मुट्ठी भर चावल ही मिलेगा। यदि महाप्रजापति भिक्षुनी बनी, क्योंकि वो राजघराने से थी, महारानी थी, राजा सुदोधन की पत्नी थी, उन्हें हमेशा से अच्छे अच्छे व्यंजन खाने का मौका मिला था, तो कैसे इस कठिन जीवन में रह पाएंगी जहां पर उन्हें इतना जो है कम भोजन में वो सर्वाइव कर पाएंगी, तो ये बड़ा ही मुश्किल था उनके लिए। तो शायद ये कारण रहा हो कि भगवान ने चाहा कि महाप्रजापति जो है भिक्खुनी जीवन का पालन नहीं कर पाएगी, इस कठोर जीवन का पालन नहीं कर पाएगी, इसीलिए उन्होंने उनको मना किया हो। दूसरा, उस समय में भिक्खुओं के लिए तो विहार थे, वो जंगल में भी रहते थे, पेड़ों के नीचे भी रहते थे, लेकिन महिलाओं के लिए इस तरीके से रहना थोड़ा सा कठिन हो सकता था, जो हुआ भी था। बाद में कई सारी घटनाएं भी हमारे सामने आती हैं, तो शायद ये भी एक कारण रहा हो कि भगवान ने कभी नहीं चाहा कि महाप्रजापति जो है वो भिक्षुनी बने और इस तरह का कठोर जीवन में पालन करे या फिर जंगलों में जाके रहे जहां पर वो बहुत असुविधा में रहेंगी। तीसरा, कि भिक्षुओं को पढ़ाने के लिए भिक्षु थे लेकिन भिक्षुनियों को पढ़ाएगा कौन, क्योंकि केवल चीवर लेकर रहना, चारिका करना, भोजन खाना सिर्फ इतना धम्म का जीवन नहीं है। धम्म को स्टडी करना है और स्टडी करने के बाद में पढ़ाना सीखना भी है और सिखाना भी है। तो जब धम्म को सीखने की बारी आएगी तो भिक्षुनियों को सिखाएगा कौन, क्योंकि अगर भिक्षु सिखाने, पहले ऐसा नियम नहीं था कि भिक्षु सिखाएंगे, लेकिन फिर बाद में भगवान ने जब महाप्रजापति को और अन्य भिक्षुनियों को भिक्षुनी संघ में प्रवेश दिया तो उसके बाद में भगवान ने ये नियम बनाया कि भिक्षु ही भिक्षुनियों को पढ़ाएंगे, जब तक भिक्षुनी संघ अच्छे से एस्टेब्लिश नहीं हो जाता है तब तक। लेकिन उसके बाद में भी अगर भिक्षुनिया भिक्षु जो पढ़ाएंगे वो भिक्षु भी सक्षम होने चाहिए, इस तरह से भिक्षु होने चाहिए कि वो पूरी तरीके से सक्षम होने चाहिए, तभी वो पढ़ा पाएंगे, अन्यथा हर भिक्षु नहीं पढ़ा सकता है। तो कुछ कारण रहे जिसकी वजह से जो है भगवान ने महाप्रजापति को इनकार किया पहले देने से, लेकिन बाद में उन्होंने स्वीकार भी किया। इसके बाद में महाप्रजापति के बाद में जो है हमारे चलता रहा संघ, भिक्खुनी संघ चलता रहा। इसके बाद सम्राट अशोक ने अपनी पुत्री को भिक्खुनी बनाया, और सम्राट अशोक ने जब अपनी पुत्री को भिक्खुनी बनाया और उनके पुत्र जो महेंद्र थे, महेंद्र भिक्षु थे, वो भी जो है भिक्खु बनने के बाद में श्रीलंका गए। श्रीलंका में जाने के बाद में उन्होंने जो है पूरे वहां के लोगों को, राजा
को, देवनम्पी एदिस्सा को और वहां की जो प्रजा थी सभी को धम्म दिया। और सभी को धम्म देने के बाद में राजा की जो बहन थी वहां पर, राजा देवनम्पी एदिस्सा की जो सिस्टर थी अनुला देवी, उन्होंने इच्छा जताई कि वो जो है भिक्षुणी संघ में प्रवेश करना चाहती है। तो फिर महेंद्र ने ही राजा देवनम्पी एदिस्सा को बोला कि आप मेरे पिताजी को ये संदेश भिजवाइए कि वो वहां से मेरी बहन, क्योंकि तब तक नियम बन चुका था कि भिक्षुणी ही भिक्षुणी को उपसंपदा देगी। ये बहुत जो मेन विषय है हमारा कि भिक्षुणी संघ कैसे समाप्त हुआ, यही मेन विषय है। शुरुआत में जब भिक्षुणियां नहीं थी तो उस समय भगवान ने नियम बनाया कि भिक्षु जो है वो भिक्षुणियों को उपसंपदा देंगे, प्रवचित करेंगे संघ में। और शुरुआत में भिक्षु ही भिक्षुणियों को उपसंपदा देते थे, लेकिन जब एक वेल एस्टैब्लिश भिक्षुणी संघ हो गया हमारे पास में, अच्छे से सारी भिक्षुणियों की संख्या भी बहुत अच्छी हो गई थी और सभी जो है थेरी बन चुकी थी लगभग, तो उसके बाद में भगवान ने नियम बनाया कि भिक्षुणियों को उपसंपदा भिक्षुणियां ही देंगी, भिक्षु नहीं देंगे, ये नियम बना था। तो वहां पर भी यही नियम अप्लाई किया गया है। तो महेंद्र भंते जब वहां श्रीलंका में थे तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी बहन को चीवर नहीं दे सकते, उपसंपदा हम नहीं दे सकते हैं, तो आप मेरे पिताजी को संदेश भिजवाइए और वो जो है मेरी बहन को, संघमित्रा को जो कि थेरी थी, भिक्षुणी थी, वो भिक्षुणी संघ के साथ में आएंगी और वो यहाँ आकर श्रीलंका में अनुला देवी को उपसंपदा देंगे। तो संघमित्रा अपनी भिक्खुनी संघ के साथ बोधि वृक्ष लेकर बोधगया से वहां जाती हैं और वहां पर राजा देवानंपी एतिस जो उनकी बहन है अनुला देवी, उनको संघ में प्रवचित करती है भिक्खुनी संघ। अब यहाँ से इतिहास भारत का खत्म हो जाता है कि इसके बाद में एक या दो भिक्षुणियों का मिलता है, लेकिन उन्होंने भी बहुत ज्यादा समय तक कुछ उन्होंने या तो कार्य नहीं किया है, उनका डिटेल हमें बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। संघमित्रा श्रीलंका गई, श्रीलंका में भिक्खुनी संघ हो गया। अब केवल दो ही देशों में भिक्खुनी संघ था, एक श्रीलंका में था और एक भारत में था। श्रीलंका में भिक्खुनी संघ चलता था। अब इसके बाद में चौथी शताब्दी में, फोर्थ सेंचुरी में, जब फाहियान भारत आए, हम जानते हैं चीनी यात्री फाहियान को बेहतर तरीके से, कि फाहियान जब भारत आए तो भारत में आने के बाद में उन्होंने जब यहाँ से देखा, उन्हें भी सिर्फ भिक्षु ही मिले यहाँ पर, भिक्षु ने नहीं मिली उन्हें। उसके बाद यहाँ से जब वो वापस चाइना गए तो चाइना में जाने के लगभग 10 वर्ष के बाद में जो है वहां पर उन्होंने भिक्खुनियों ने, चाइना के महिलाओं ने इच्छा जताई कि हम भी भिक्खुनी संघ में प्रवर्जित होना चाहते हैं, चाइना की महिलाओं ने। लेकिन चाइना में जो है आज हम कहते हैं महायान है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय धर्मगुप्त का जो है, हम आज भी धर्मगुप्त का ही कहते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। चाइना में महिलाओं ने जब इच्छा जताई तो वहां पर क्योंकि भिक्खुनियां नहीं थी, तो चाइना में भिक्खु ने उनको श्वामनेरी और अनागारिका का चीवर दिया, लेकिन भिक्खुनियां नहीं बन पाई वो। जब उन्हें बाद में पता चला कि श्रीलंका में भिक्खुनियां हैं और श्रीलंका की कुछ भिक्खुनियां जो है चाइना गई थी चाइनीज भाषा पढ़ने के लिए, तो श्रीलंका से जब भिक्षुणियां वहां चाइना गई चाइनीज भाषा पढ़ने के लिए, तब तो वहां चाइना की महिलाओं ने देखा, उन भिक्षुणियों को देखा और उन्होंने सोचा कि जब ये पूर्ण रूप से प्रवज्जित हो सकती हैं, उपसंपदा प्राप्त कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। तो वहां पर चौथी शताब्दी में चाइना की महिलाओं ने श्रीलंका की भिक्षुणियों से याचना की कि हमें भी भिक्षुणी संघ में प्रवज्जित कीजिए। लेकिन जो नियम अनुसार होता है कि आपको उपसंपदा प्राप्त करने के लिए कम से कम 10 भिक्षुणियां चाहिए, तो उस समय केवल 8 ही भिक्षुणियां गई थी वहां पर। तो उन्होंने कहा कि हम पर्याप्त नहीं है उपसंपदा देने के लिए, तो इसीलिए आप जो है इंतजार कीजिए, हम लोग वापस जाते हैं। और कुछ भिक्षुणियां चाइना में ही रही श्रीलंका की, और कुछ भिक्षुणियां जो है वो वापस श्रीलंका आई। श्रीलंका में और भिक्षुणियों को उन्होंने तैयार किया चाइना ले जाने के लिए, और वो पूरा ग्रुप बना करके वापस जो है वो चाइना जाते हैं। और जब वो वापस चाइना जाते हैं और चाइना में पूरा भिक्षुणी संघ होता है, तब वहां पर जो है भिक्षुणियों को उपसंपदा दी जाती है। भिक्षुणियों की उपसंपदा के लिए जो भगवान ने भी नियम बनाया है, तो उसमें डुअल ऑर्डिनेशन का नियम है, मतलब वो भिक्षु संघ से भी प्रवचित होती है और भिक्षुणी संघ से भी प्रवचित होती है। भिक्षुणी संघ से प्रवचित होने के बाद में उन्हें भिक्षुओं से अनुमति लेनी होती है कि हम जो है आप हमें संघ में प्रवेश देते हैं कि नहीं देते हैं, और भिक्षु संघ उनको स्वीकार करता है। तो वहां पर चाइना में पहली बार चौथी शताब्दी में डुअल ऑर्डिनेशन हुआ और चाइना में भी भिक्खुनी संघ स्थापित हो गया था। चाइना में हो गया, भारत, श्रीलंका और चाइना, इन तीन देशों में चलता रहा।
अब इसके बाद में ये इसके बाद कोई भिखुनियों को इतिहास नहीं मिलता कि और किसी देश में भिखुनिया उस समय गई, लेकिन चाइना से कोरिया जापान इन देशों में पहुंच चुका था। देखिए हमारे जो ये आपको समझना होगा कि हमारे पास में जो विनय है, जो हमारे पास में नियम है, भगवान ने जो नियम बनाया हम उसे थेरावादा कहते हैं। थेरावादा नियम के अलावा दो तरह के विनय और होते हैं। एक मूल श्रवस्तिवाद विनय है जो कि आज ताइवान में आप देख सकते हैं, और दूसरा जो है हमारे पास में धर्मगुप्त का विनय है। धर्मगुप्त का विनय जो है चाइना, कोरिया, जापान, तिब्बत इन कंट्रीज में आप देख सकते हैं। लेकिन जो भगवान की जो मूल शिक्षा है वो थेरावादा है, और थेरावादा से ही थेरावादा भिक्षुनिया ही चाइना में जाकर के उन्होंने भिक्षुनियों को प्रवचित किया। तो चाइना में जो भिक्षुनिया है वो भी थेरावादा मूल से ही प्रवचित हुई। इसके बाद में 11वीं शताब्दी में लगभग 1017 AD में हम देखते हैं कि चोल वंश जो थे, जो चोला किंग थे, जो कि भारत के साउथ के थे, उन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण किया। और श्रीलंका पर जब उन्होंने आक्रमण किया तो वहां पर उन्होंने पूरी तरीके से हिंदुज्म को स्थापित करने का प्रयास किया। और जब वो हिंदुज्म को स्थापित कर रहे थे तो सीधी सी बात है कि वहां से बुद्धिज्म को नष्ट करने का प्रयास किया गया। बुद्धिज्म जब नष्ट हुआ वहां पर तो बहुत ही कम संख्या में वहां पर भिक्षु बचे थे। भिक्षु थे ही नहीं, ना के बराबर थे, और श्रामणेर केवल बचे थे। तो जब चोल वंश वहां पर समाप्त हुआ, चोल वंश ज्यादा समय तक श्रीलंका में राज नहीं कर पाया। चोल वंश जो है लगभग 50 इयर्स तक उसने जो है वहां पर राज किया। जब वो वहां से समाप्त हुआ और वहां के ही विजय बाहु, श्रीलंका के ही राजा विजय बाहु जब वहां बने, तो उन्होंने सोचा कि हमारी जो परंपरा है, जो बौद्ध परंपरा है, वो समाप्त हो रही है, तो क्यों ना उसको दोबारा से रिवाइव किया जाए, क्योंकि अब चोल वंश समाप्त हो गया है। तो उन्होंने दोबारा से उसे रिवाइव करने का, उसका दोबारा पुनरुत्थान करने का उन्होंने प्रयास किया। अब पुनरुत्थान करने के लिए उन्हें भिक्षु और भिक्षुणियों की जरूरत थी, क्योंकि संघ होता है तो ही धम्म का जो है पुनरुत्थान हो पाता है। तो उन्होंने देखा कि श्रीलंका में भिक्षु और भिक्षुणियां बचे ही नहीं थे। फिर उन्होंने वहां से, उन्होंने बर्मा और थाईलैंड से भिक्षुओं को आमंत्रित किया। भिक्षुओं को आमंत्रित किया केवल इसलिए कि वो भिक्षुणियों को, भिक्षुओं को उपसंपदा दे सके। बर्मा और थाईलैंड से भिक्षु जाते हैं श्रीलंका, और श्रीलंका में जाकर श्रीलंका के जो पुरुष होते हैं वो वहां पर संघ में प्रवेश करते हैं। और श्रीलंका में फिर धीरे 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 भिक्खु संघ फिर से जो है पुनर्भव होने लगता है। भिक्खु संघ फिर से अच्छी तरह से वहां विहार करने लगता है। लेकिन क्योंकि भिक्षुनिया जो है वो बर्मा और थाईलैंड में नहीं थी, और श्रीलंका जो है वो थेरावादा कंट्री है, थेरावादा कंट्री होने के नाते वो चाहते थे कि थेरावादा भिक्षुनिया ही भिक्षुनियों को उपसंपदा दे। लेकिन उन्होंने देखा कि ना तो इंडिया में भिक्षुनिया थी थेरावादा कंट्री, ना ही बर्मा में थी, और ना ही थाईलैंड में थी। इन तीनों देशों में से किसी भी देश में भिक्षुनिया नहीं थी, फिर इसीलिए उन्होंने क्या किया, वहां पर भिक्षुनी संघ को रिवाइव नहीं कर पाए। प्रयास किया लेकिन भिक्षुनिया नहीं मिली, इसलिए वो भिक्षुनी संघ को रिवाइव नहीं कर पाए, भिक्खु संघ चलता रहा। तो हम कह सकते हैं कि लगभग 11वीं शताब्दी से लेकर और आज 21वीं शताब्दी में हम लोग हैं, तो ये 900 साल तक, 1000 साल तक भिक्षुनिया थी ही नहीं, बिल्कुल रही ही नहीं भिक्षुनिया। लेकिन अब आधुनिक युग की आज हम बात करें तो आज फिर से हमारे पास भिक्षुनिया है। ये भिक्षुनिया कहाँ से शुरुआत इनकी हुई है वो हमें जानना जरूरी है। कि इसके लिए ऐसा नहीं है कि हम लोग भिक्षुनिया है तो हमारे लिए प्रयास हमारे लिए आसान था। मुझे जब अचीवर मिला तो निश्चित रूप से मेरे लिए आसान था, क्योंकि कोई भी कठिनाई नहीं थी। लेकिन जिन्होंने शुरुआत की, आप सोचिए कि एक काल खत्म हो गया है, एक जनरेशन खत्म हो गई है, और 900 साल तक भिक्खुनिया थी ही नहीं, अब उसके बाद में अचानक से भिक्खुनिया आ रहे हैं, तो कितना संघर्ष उन्हें करना हुआ होगा, करना पड़ा होगा उन लोगों को। तो इसके लिए जो है आधुनिक युग की हम बात करें तो सबसे पहले जो इच्छा जताई, चीवर लेने के लिए इच्छा जताई, वो श्रीलंका की, बर्मा की, थाईलैंड की, इनकी महिलाओं ने जताई सबसे पहले। तो सबसे पहले बर्मा में कुछ महिलाओं की इच्छा हुई कि जब भिक्षु हो सकते हैं तो भिक्षुनिया क्यों नहीं हो सकती हैं। लेकिन भिक्षुओं का यह कहना था, क्योंकि भिक्खुनी संघ समाप्त हो गया है, और भिक्खुनी संघ अगर कोई संघ का निर्माण कर सकता है नए तरीके से तो वो केवल भगवान स्वयं कर सकते हैं। भगवान के अलावा कोई और भी ऐसा नहीं है जो संघ निर्माण कर सके। और जब भिक्खुनी संघ समाप्त हो गया और भगवान यहाँ है नहीं, तो फिर अब भिक्खुनी संघ दोबारा से रिवाइव नहीं हो सकता है। तो उतने समय में, उस समय में जो है उनको, जब महिलाओं की इच्छा भी थी कि गृह त्याग करना भी था, तो फिर उन्हें जो है बर्मा में थीला थीलाशीन हम कहते हैं, या अष्टशीलानी हम कहते हैं,
बर्मा में वो किया गया कि अगर महिलाएं चीवर गृह त्याग करना चाहती हैं और चीवर धारण करना चाहती हैं तो उन्हें रखा तो जाएगा लेकिन वो पूर्ण रूप से प्रव्रजित भिक्षुणियां नहीं होंगी, जिसे हम कहते हैं उपसंपदा कहते हैं, तो वो नहीं होंगी। जैसे कि आप लोग हम कह सकते हैं कि एक भिक्षुणी और एक गृहस्थ जो महिला होती है या उपासिका होती है, उपासिका और भिक्षुणी के बीच का जो है उन्होंने कोई रास्ता निकाला और वहां पर उन्होंने बर्मा की महिलाओं को 10 शील में अनागारिका बना के रखा, जिसे हम अनागारिका कहते हैं, जो पिंक चीवर में आपने देखा भी होगा कई बार, तो पिंक चीवर वो पहनते हैं, वो अनागारिका होते हैं, उन्हें गुरु मुआ भी कहा जाता है। ये बहुत तेजी से इन्होंने पकड़ा और इसके बाद में आप देखते हैं नेपाल में भी आपको केवल अनागारिका ही देखने को मिलेगी, नेपाल में कोई भिक्षुणी आपको नहीं देखने को मिलेगी। इनका काम ये भिक्षुणियों से अलग थी क्योंकि भिक्षुणी जो होती हैं, जो पूर्ण रूप से उपसंपदा प्राप्त भिक्षुणी होती हैं, तो उनके 311 नियम होते हैं और जो अनागारिका है उन्हें केवल 8 या 10 शीलों में रखा जाता है। दूसरा, उन्हें वो कोई भी अधिकार नहीं होता जो एक पूर्ण रूप से भिक्षु या भिक्षुणी को होता है। वे जो है विहारों में रहते हैं, विहारों में रह करके वो पूजा अर्चना में भाग नहीं लेते हैं, चारिका में भाग नहीं लेते हैं, लेते भी हैं तो उन्हें बिल्कुल एकदम पीछे या फिर एकदम अलग होकर के बैठना होता है और साथ ही साथ में वो केवल 10 शीलों का पालन करके वहां संघ की मेन मुख्य रूप से जो है वो संघ की सेवा करने के लिए विहार में होते हैं। तो वो वहां उनका काम होता है कि वो संघ में रहेंगे, विहार में रहेंगे लेकिन केवल संघ की सेवा करेंगे। वो किसी भिक्षु के आगे बोल नहीं सकते और केवल उनके लिए जो है जिस भी तरह का भोजन है या कोई भी काम है तो वो संघ के लिए करके देंगे। बर्मा से यही परंपरा जो है थाईलैंड में पहुंची। थाईलैंड में आप देखेंगे कि वही रूप है लेकिन सफेद में रहते हैं, वो व्हाइट में रहते हैं और उन्हें मेची कहा जाता है। मेची भी वही है जो अष्टशील में या 10 शील में रहते हैं थाईलैंड में। फिर थाईलैंड से जो है श्रीलंका में ये कल्चर पहुंचा, तो कल्चर जब श्रीलंका में महिलाओं ने चाहा तो फिर उनको वहां पर भी वही बताया गया, तो श्रीलंका में 10 शील माता बोला जाता है, 10 शील माता जिसको अगर हम हिंदी में कहें कि वो उनको माता बोला जाता है, कि जो 10 शील लेकर के जो माता जी रहती हैं, 10 शील माता वो भी सफेद वस्त्रों में ही रहते हैं। तो बर्मा, थाईलैंड और श्रीलंका तीनों देशों ने भिक्षुणियों को स्वीकार करने से मना कर दिया। अगर महिलाएं गृह त्याग करना चाहती हैं तो वो केवल और केवल 8 या 10 शील लेकर के विहार में रहें और संघ की सेवा करें, केवल इतना उनका काम था। वो उपसंपदा नहीं प्राप्त कर सकती, वो भिक्खु के समान दर्जा प्राप्त नहीं कर सकती, चाहे वो कितना ही ज्ञानी हो वो नहीं कर सकती है। तो ये कल्चर जो है अभी आधुनिक युग में चलता रहा। इसके बाद में एक बहुत बड़ी घटना हमारे सामने आई, जब थाईलैंड में कुछ भिक्षुओं ने दो बहनों को, थाईलैंड में दो बहनें थी जिनके पिताजी जो थे थाईलैंड के गवर्नर थे उस समय, तो उन दोनों बहनों ने इच्छा जताई और थाईलैंड के कुछ भिक्षुओं ने उन दोनों बहनों को उपसंपदा दी और भिक्षुणी संघ में प्रवेश दिया और वो दोनों बहनें अपने एक पूरे ग्रुप के साथ में 20 लड़कियों के साथ में उन्होंने चीवर ले लिए। थाईलैंड में जो है लगभग जो है आप 1928 की घटना है, 1928 में, 1928 में ये घटना हुई कि वो दोनों बहनों ने 20 लड़कियों के साथ मिलकर के चीवर लिया। लेकिन क्योंकि ये थाईलैंड में नियम के खिलाफ माना जाता था, अब आप ये देखें कि महिलाओं को केवल भिक्षुणी बनने के लिए, जबकि बुद्ध ने भी उसको स्वीकार किया है, उन्हें इतना स्ट्रगल करना पड़ा कि उन्हों दोनों बहनों को जो है जेल में डाल दिया गया। और जेल में डालने के लिए सजा क्या थी उनकी, सॉरी जुर्म क्या था उनका, जुर्म उनका केवल इतना था कि उन्होंने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है या धार्मिक नियमों का उल्लंघन करने का प्रयास किया है, इसलिए दोनों बहनों को जेल में डाल दिया गया और उनके साथ में जो 20 और महिलाएं थी जिन्होंने भिक्खुनी संघ में प्रवेश किया था, तो उन 20 लोगों का भी चीवर उतरवा दिया गया। उनको जेल में नहीं डाला गया लेकिन उनका चीवर उतरवा दिया गया और इन दोनों बहनों को जेल में डाल दिया गया और जेल में काफी दिन रहने के बाद में जबरदस्ती हिंसक रूप का प्रयोग करके दोनों बहनों का चीवर जो है वहां पर उतरवाया गया। ये थाईलैंड में बहुत बड़ी घटना है, आपको इसकी पूरी डिटेल में हिस्ट्री आपको नेट पर भी मिल जाती है, थाईलैंड की जो बुद्धिस्ट वेबसाइट है उन पर भी मिलती है आपको। दोनों बहनों को जो है जेल में डाला गया और हिंसक रूप से जो है दोनों बहनों का चीवर भी वहां उतरवाया गया।
अब चीवर उतरवाने के बाद में कुछ समय बाद में जब वहां से उनको बाहर निकाला गया, क्योंकि उनके पिताजी गवर्नर थे तो उनको बाहर निकाला गया, और उनके पिताजी ने ही ये प्रयास किया था। वास्तव में जो ये भिकुनी संघ का जो कोशिश करना था वहां पर, उन दोनों बहनों के मन में ये डालना था कि आपको भिकुनी बनना ही, उनके पिताजी ने ही किया था। उनके पिताजी गवर्नर होते हुए बहुत ही धार्मिक थे, और उन्होंने देखा कि थाईलैंड में भिकु संघ हर जगह है, लेकिन महिलाओं के लिए कोई कोई ऐसा रास्ता नहीं है जहां पर वो बराबरी का अधिकार पा सके। तो उन्होंने ये शुरुआत अपने घर से ही की, अपनी दोनों बेटियों को ही संघ में प्रवर्जित किया उन्होंने सबसे पहले। और जब जेल में डाल दिया गया, जेल से वापस आने के बाद भी दोनों बहनों ने हार नहीं मानी। दोनों बहनों ने फिर से चीवर का रंग बदल दिया, लेकिन चीवर पहन के वो फिर से भिखुनी के जीवन में रहने लगी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी जो बड़ी बहन थी, तो बड़ी बहन एक दिन चारिका के लिए जा रही थी, अकेली ही थी, चारिका के लिए जा रही थी, और किसी व्यक्ति ने आकर उनके साथ में दुष्कर्म किया। कोई व्यक्ति वहां आया और उनका उनके ऊपर झपटा और उनके साथ में गलत काम करने का प्रयास किया। और जब ये बात वहां के संघ राजा को पहुंची, थाईलैंड में, थाईलैंड का अगर कल्चर आप लोग जानते होंगे तो थाईलैंड में संघ राजा होता है जो पूरे संघ को ऑपरेट करता है। जैसा संघ राजा बोलते हैं वैसा ही पूरा संघ थाईलैंड में करता है, और उसको अपॉइंट किया जाता है कुछ गुणों के आधार पर, वो उसकी एक पूरी डिटेल है, व्याख्या है। तो संघ राजा ने वहां पर, अब जब कोई पुरुष किसी महिला के साथ में कुछ गलत करता है तो आप दोषी जो है महिला को ठहराएं, ये कहीं तक भी जायज नहीं है। तो वहां संघ राजा ने ऐसा ही किया कि महिला के साथ में गलत हुआ क्योंकि वो भिक्षुणी बनी इसीलिए, तो अब से नियम ये नहीं है कि उस पुरुष को सजा दी जाए, बल्कि नियम ये बन गया कि अब आज के बाद कोई भी भिक्षु किसी भी महिला को श्रामनेरी या भिक्षुणी की उपसंपदा नहीं देगा, किसी भी तरीके से प्रवचित नहीं करेगा। और थाईलैंड में ये नियम बन गया कि अब कोई भी भिक्षुणी जो है, कोई भी महिला जो है, वो भिक्षुणी संघ में प्रवेश नहीं कर सकती। ये 1928 में हुआ। लेकिन इसके बाद में 1956 में फिर ऐसा हुआ कि फिर से, मतलब वो घटना वहीं पर समाप्त हो गई, और फिर कुछ लगभग 20-25 सालों तक, 28 सालों तक थाईलैंड में फिर भिक्षुणियां गायब हो गई, महिलाओं का अस्तित्व फिर से एक तरह से समाप्त हो गया। अब उसके बाद में जो है 1956 में, अभी जो थाईलैंड की जो प्रथम भिक्षुणी है धम्मानंदा जी, उनकी माता ने ये प्रयास किया। उनकी माता ने 1956 में फिर से चीवर लेने का प्रयास किया। उन्होंने चीवर लिया, दूसरे संघ से लिया, और लेने के बाद में वो भिक्षु जैसा चीवर नहीं पहनती थी, लेकिन वो हल्के पीले रंग का चीवर पहनती थी। तो वहां पर भी उनके लिए जो है पूरी मीटिंग हुई, कई सारे भिक्षु अलग अलग प्रोविंस से थाईलैंड के बुलाए गए, और वहां पर भी यही सवाल उठाया गया कि आप कैसे भिक्षुणी बन सकती हैं, भिक्षुणी संघ तो अलाउड ही नहीं है। अब वहां पर जो है, जब वो भिक्षुणी धम्मानंदा की जो मदर थी, तो उन्होंने वहां पर अपना जवाब प्रस्तुत भी किया कि जब मैंने भिक्षुओं के जैसा कोई भी चीवर मैंने नहीं पहना है, या मैं कोई भी ऐसा नियम तोड़ नहीं रही हूँ, या मैं किसी भी तरह से अहिंसा नहीं फैला रही हूँ, मैं शांति को भंग नहीं कर रही हूँ, तो फिर आप ये कैसा कह सकते हैं कि मैं जो है इसके सक्षम नहीं हूँ, या मैं चीवर नहीं ले सकती हूँ। उसके बाद में उनके ऊपर भी कई तरह से दोषारोपण प्रतिरोपण किया गया, कई तरीके से उनको परेशान करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, और अंततः वो जो है चीवर में ही रही, और 1960 के करीब में उन्होंने उपसंपदा भी प्राप्त की। इसके बाद में धम्मानंदा, उन्होंने जमीन भी ली वहां पर और महिलाओं के लिए प्रयास भी किया, और उसके बाद में जो उनकी पुत्री धम्मानंदा है उनको भी संघ में प्रवचित किया, और वो भी जो है इसी मार्ग पर अपनी माता के साथ में चलने लगी। ये तो हो गया थाईलैंड में कि आज भिक्षुणी संघ हमारे पास में है। धम्मानंदा के लिए भी चुनौती, जो भिक्षुणी है धम्मानंदा जी, उनके लिए भी चुनौतियां कम नहीं थी। उन्होंने तो अपना पूरा व्याख्या दिया है कि किस किस तरीके से उन्हें परेशान किया जाता था थाईलैंड में। आप जानते हैं कि थाईलैंड में बहुत सारे ऐसे नियम है कि आप जिस भी पब्लिक प्लेस पर हैं, तो पब्लिक प्लेस पर आपको अलग से, अगर चेयर से, हॉस्पिटल से, कोई भी ऐसी बिल्डिंग है, वहां पर आपको अलग से स्थान दिया जाता है भिक्षुओं के लिए। वहां पर अलग से चेयर्स होती है भिक्षुओं के लिए, लेकिन वहां पर भिक्षुणियां नहीं बैठ सकती है, भिक्षुणियों के लिए वो स्थान नहीं होता है। अगर आप किसी भी यात्रा में हैं, आप ट्रेन से हैं, बस से हैं, फ्लाइट से हैं थाईलैंड में, तो वहां पर भी भिक्षु के लिए कुछ कम फीस होती है, जो भी आपको वहां पर चार्जेस पे करने होते हैं या फेयर पे करना होता है। लेकिन अगर भिक्षुणी है तो उसके लिए फुल फेयर आपको देना होगा। कोई भी ऐसा वो नहीं है कि आप चीवर में हैं, भिक्षुणी है, तो आपके लिए भी फेयर कम होगा, या कुछ भी जो है आपको दिया जाएगा, सुविधाएं दी जाएंगी।
तो वहाँ जितनी भी सुविधाएं दी जाती है वो भिक्षुओं के लिए, यहाँ तक कि थाईलैंड में जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है महाचुलालongkorn और एक और यूनिवर्सिटी है महामुक्ता, तो वहां पर जो है जो भिक्षुओं के लिए पढ़ाई शिक्षा के लिए जो वहाँ रखा जाता है वो एक्चुअली डोनेशन पर होता है सारा। डोनेशन जो वहां पर आता है, जो ऑफरिंग्स आती है, वो पूरा डोनेशन जो है वो महिला और पुरुष दोनों के द्वारा आता है। मतलब आप जैसे उपासक उपासिका ही वहां पर दान करते हैं, और उसी दान के दान से जो है वहां पर पढ़ाई होती है भिक्षु भिक्षुणियों की। लेकिन वो भिक्षुणियों के लिए नहीं है, वो केवल भिक्षुओं के लिए है। जो भी वहाँ दान आता है दोनों यूनिवर्सिटी में, केवल और केवल भिक्षु अलाव है, भिक्षुणियां अलाव नहीं है उस पर पढ़ना। दान दोनों से आ रहा है, महिला से भी पुरुष से, लेकिन पढ़ना सिर्फ भिक्षुओं को अलाव है। तो ऐसे कुछ थाईलैंड में अभी भी इस तरीके से है। अब इसके बाद में बर्मा में भी ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था, बर्मा के लिए भी, बर्मा का इंसिडेंट बहुत फेमस भी है इसमें जो है। तो बर्मा में जो इंसिडेंट हुआ था, तो बर्मा में ऐसा हुआ था कि वहां पर भी एक महिला ने चीवर लिया, और उसने वहां पर नहीं लिया था, बर्मा में नहीं लिया एक्चुअली, वो श्रीलंका गए और श्रीलंका में जाकर के उन्होंने जो है चीवर लिया। श्रीलंका में जब उन्होंने चीवर धारण किया, और श्रीलंका से उसके बाद में उन्हें पता चला कि उनके बर्मा में उनके पिताजी हैं वो बीमार हैं, और उस समय बर्मा में एक कॉन्फ्रेंस भी होने वाली थी, बुद्धिस्ट समिट होने वाला था, तो उसमें भी वो भाग लेना चाहती थी। तो वो श्रीलंका से बर्मा आए, और बर्मा आने के बाद में उन्हें एक तो समिट में तो एंट्री दी ही नहीं, साथ ही साथ में उन्हें वहां पर 5 साल की सजा सुनाई गई, और उन्हें भी जेल में डाल दिया गया। बर्मा में भी ऐसा हुआ कि उन भिक्षुणी को जो है वहां जेल में जाना पड़ा, और वहां पर हालांकि 5 साल की सजा थी, लेकिन क्योंकि खबर ऐसे आग की तरह फैल गई थी, मीडिया और हर तरीके से जो है सोशल मीडिया सब जो है उसका अपोज कर रहे थे कि उन्हें नहीं ऐसा करना चाहिए था महिला को लेकर के, तो पुलिस को जो है बर्मा में सिर्फ 76 डेज, 76 दिनों में उस महिला को वहां से छोड़ना पड़ा, वो भिक्षुणी को वहां से छोड़ना पड़ा। तो 76 दिन तक वो जेल में रही, लेकिन 76 दिन के बाद में पुलिस को, हालांकि 5 साल की सजा थी, लेकिन 76 दिन में, 76 डेज में ही उन्हें छोड़ना पड़ा। और छोड़ने के बाद में ऐसा नहीं कि छोड़ दिया हो, छोड़ने के बाद में उनसे वहां पर साइन कराया गया, बाकायदा उनके पेपर दिया गया कि आप इसको पढ़ो और इसमें साइन करो कि आप ये घोषित, मैं स्वयं घोषित करती हूँ कि मैं भिक्षुणी नहीं हूँ, और मैं किसी भी तरीके से धार्मिक नियमों का उल्लंघन नहीं करूंगी भिक्षुणी बनकर। और उनसे जबरदस्ती उस पेपर पे साइन कराया गया, और साइन कराने के बाद भी उनको सीधा पुलिस स्टेशन से एयरपोर्ट ले जाया गया, एयरपोर्ट से उन्हें श्रीलंका की फ्लाइट से सीधा श्रीलंका भेज दिया गया, और बर्मा में उनकी एंट्री को बैन कर दिया गया सिर्फ भिक्षुणी बनने की वजह से। मतलब आप सोचिए कि कितना, अगर हम धर्मों में हैं, हम लोग शासन को, भगवान बुद्ध के शासन को हम लोग बढ़ाना चाहते हैं, तो ये केवल पुरुषों का एकाधिकार नहीं है, और जब भगवान ने स्वयं हमें अनुमति दी है, तो हम कैसे जो है इस तरह से महिलाओं के साथ में ट्रीट कर सकते हैं कि उन्हें जेल तक में डाल दिया जाए, और जेल से निकलने के बाद जबरन या तो उनका चीवर छुड़वाया जाए, या उनसे ऐसे पेपर पे साइन कराया जाए कि यहाँ आप स्वयं घोषित करें कि मैं जो है भिक्षुणी नहीं हूँ, और फिर उसके बाद वहां से डायरेक्ट उसे श्रीलंका भेज दिया गया। उसके बाद में वो 2005 में उन्होंने हायर ऑर्डिनेशन लिया था बर्मा में, श्रीलंका में, और उसके बाद में वापस जब उन्हें बर्मा श्रीलंका भेजा गया, बर्मा से श्रीलंका वापस रिटर्न किया गया, तो 2008 तक, मतलब 3 से 4 सालों तक जो है वो इस ट्रॉमा में रही, वो इस सदमे में रही कि उनके साथ में क्या हुआ। चीवर लेने के, सिर्फ चीवर लेने के कारण उन्हें जेल में डाला गया, उन्हें इतने समय तक जेल में रहना पड़ा, पूरा मीडिया पूरा वर्ल्ड में जो हाईलाइट हो गया, और उसके बाद में उन्हें इस तरीके से साइन कराया गया, वो इस सदमे की वजह से 2008 में उन्होंने चीवर छोड़ दिया। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, नहीं रह पा रही थी, बर्मा उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा था, तो इसीलिए उन्होंने जो है बर्मा की नागरिकता उनकी समाप्त कर दी गई थी, इसीलिए जो है उन्होंने 2008 में परेशान होकर के चीवर छोड़ दिया। तो ये 1996 में आप ये देखिए कि यहाँ पर भिक्षुणी संघ भारत में शुरुआत हुई 1996 में, लेकिन उसके बाद भी ये सारी घटनाएं बर्मा में होती रही। और आज की जो अगर प्रेजेंट कंडीशन हम लोग बताएं, तो प्रेजेंट कंडीशन में भी आप देखेंगे कि बर्मा में भिक्षुणियां नहीं है। बर्मा में आपको मिलेंगे तो केवल वही अष्टशील या दसशील जो है, अनागारिका या गुरुमा, वही आपको मिलेंगे। थाईलैंड में कुछ भिक्षुणियां हैं, लेकिन उन्हें उस तरह की मान्यता प्राप्त नहीं है। थाईलैंड में तो एक और मजे की चीज भी है कि थाईलैंड में आप देखेंगे कि भगवान बुद्ध के नियम में जो है भगवान ने कुछ लोगों को चीवर देने से मना किया है, जो आज हम कहते हैं लेस्बियंस हैं, गे हैं या ट्रांसजेंडर्स हैं,
भगवान ने उप संपदा देने के लिए, चीवर देने के लिए मना किया है। लेकिन उस समय की कंडीशन क्योंकि अलग थी, उस समय ये था कि उपासक उपासिका जो है अवहेलना करते थे कि ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं इसीलिए चीवर ले लेते हैं। लेकिन आज तो हमारे पास संवैधानिक सारे अधिकार हैं, चाहे वो लेस्बियंस हो, चाहे गे हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, सभी के लिए जो है समान अधिकार हमें संविधान देता है। लेकिन उसके बाद भी वो चीवर लेना चाहते तो वो उनकी इच्छा के अनुसार है। तो थाईलैंड जो है आज लेस्बियंस हैं, सॉरी गे हैं या ट्रांसजेंडर हैं, इस तरह के पुरुषों को चीवर देना स्वीकार करता है, लेकिन भिक्षुणियों को चीवर देना स्वीकार नहीं करता। भिक्षुणियां हैं लेकिन किस मायने में हैं वो भी हमें जानना होगा। एक्चुअली थाईलैंड में आप जब उपसंपदा प्राप्त करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, एक पासपोर्ट साइज कॉपी रहती है, जैसे हमारा पासपोर्ट रहता है इसी तरीके से एक कॉपी होती है, तो वो हमें दी जाती है। इसमें हमारी सारी डिटेल्स, हमारे जो ऑर्डिनेशन के जो हमारे टीचर हैं और कौन सी डेट को हमने लिया, कौन से प्लेस पर, सारी डिटेल्स मेंशन होती है। तो वो भिक्षु को भी दिया जाता है, भिक्षुणी को भी दिया जाता है। इसके बाद देने के बाद में वहां पर डिपार्टमेंट है, रिलीजियस अफेयर्स का जो डिपार्टमेंट है, तो वहां पर जाया जाता है, गवर्नमेंट उसे अप्रूव करती है स्टैंप लगा करके कि ये हमारे यहाँ से उपसंपदा उन्होंने प्राप्त की है। तो अगर आप भिक्षु हैं तो आपको उपसंपदा प्राप्त करने के बाद में वो सर्टिफिकेट मिलेगा, वो पासपोर्ट मिलेगा, और आप जाकर रिलीजियस अफेयर के डिपार्टमेंट में जाकर के आप उसे स्टैंप करा सकते हैं। लेकिन अगर भिक्षुणी है तो जहां से आपने चीवर लिया है वो संस्था तो आपको वो सर्टिफिकेट देगी, लेकिन उस पर रिलीजियस अफेयर का जो वहाँ गवर्नमेंट है वो उस पर स्टैंप नहीं लगाएगी, वो आपको अप्रूव नहीं करेगी क्योंकि आप भिक्षुणी है। तो ये वहां पर डिस्क्रिमिनेशन अभी भी है। बर्मा में तो भिक्षुणियां स्वीकार ही नहीं है, ना ही लाओस में, कम्बोडिया में। कम्बोडिया के हाल ही में कुछ महिलाओं ने अभी चीवर लिया, लेकिन वो थाईलैंड में आकर के लिया, और श्रीलंका में अलाउ है। श्रीलंका में सबसे, अगर अगर हम आज आधुनिक युग की बात करें, मॉडर्न एज में, तो अगर भिक्षुणियां स्वीकार है तो वो श्रीलंका में पूरी तरीके से स्वीकार की गई है, अन्य किसी कंट्री में नहीं। अब ये जो भिक्षुणियों की शुरुआत हुई, जो ये कहाँ से हुई आधुनिक युग में, ये मैं बताती हूँ आपको कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है भिक्षु और भिक्षुणियों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कहाँ से आया। एक्चुअली लगभग आज से कुछ साल पहले, 1950 के आसपास या 1950 से कुछ पहले जो है, श्रीलंका के कुछ भिक्षु जो हैं वो एक पीस कॉन्फ्रेंस के लिए चाइना गए थे। और जब वो पीस कॉन्फ्रेंस के लिए चाइना गए तो उन्होंने देखा कि श्रीलंका में भिक्षुणियां हैं, हालांकि क्योंकि इतिहास बहुत पुराना था तो कोई नहीं जानता था इस बात को। तो उन्होंने देखा कि श्रीलंका, सॉरी चाइना में भिक्षुणियां हैं। तो उन्होंने जब चाइना में भिक्षुणियों का इतिहास जानने का प्रयास किया तो उन्होंने जाना कि चाइना में जो भिक्षुणियां बनी हैं वास्तव में तो वो मूल थेरावादा कल्चर से ही आई हैं, क्योंकि चाइना में भिक्षुणी संघ की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये 4थी शताब्दी में ये भिक्षुणियां श्रीलंका की भिक्षुणियों के द्वारा ही उपसंपादित हुई थी। 4थी शताब्दी में श्रीलंका थेरावादा कंट्री है और वहीं की भिक्षुणियों ने जाकर के चाइना की महिलाओं को प्रव्रजित किया था संघ में। तो चाइना में तब से एक अनब्रोकन लीनेज चल रही थी, वो टूटी नहीं कड़ी। भारत में टूट गई कड़ी भिक्षुणियों की, श्रीलंका में टूट गई, जितने भी थेरावादा कंट्रीज थे, बर्मा थाईलैंड में तो भिक्षुणियां रही नहीं, लेकिन चाइना में जो 4थी शताब्दी से जो भिक्षुणियां बनी थेरावादा परंपरा में, बेशक उन्होंने बाद में धर्मगुप्त का नियम अपना लिया हो, विनय अपना लिया हो, लेकिन लेकिन जो उन्होंने उपसंपदा प्राप्त की थी वो थेरावादा भिक्षुणियों से प्राप्त की थी। तो उन्होंने देखा कि चाइना में 4थी शताब्दी से लेकर के और अभी तक जो है वो भिक्षुणियां इसी तरीके से भिक्षुणी संघ चल रहा है और वो बिल्कुल भी टूटा नहीं है बीच में से। तो यदि महिलाएं चीवर लेना चाहती है, और यदि जो भिक्षु इस बात पे आर्ग्यूमेंट करते हैं या इस बात पे वो असहमति जताते हैं कि भिक्षुणियां हो ही नहीं सकती क्योंकि भिक्षुणियों की उपसंपदा भिक्षुणियों के द्वारा ही होनी चाहिए, और जब एक भी भिक्षुणी नहीं है तो फिर कैसे उपसंपदा होगी। तो उन्होंने श्रीलंका की महिलाओं को तैयार किया, श्रीलंका की महिलाओं को उन्होंने तैयार किया कि आपको अगर स्वीकार करवाना है या आपको ये सहमति चाहिए भिक्षु संघ से तो आप भिक्षुणियों से ही चीवर लो, और कहाँ जाकर लो, चाइना में जाकर लो। चाइना की भिक्षुणियां जो है वो थेरावादा परंपरा से ही उन्होंने प्राप्त किया है, और लगभग 1500 वर्षों से वो लगातार भिक्षुणी संघ वहां चल रहा है, वो टूटा नहीं है बीच में, तो आप वहीं से रहो। तो हम अभी लास्ट ईयर में श्रीलंका की जो पहली भिक्षुणी थी कुसुमा, भिक्षुणी कुसुमा, वो उस समय में 20 सॉरी 11 महिलाओं को लेकर के उन्होंने तैयार किया। वो उस समय 10 शील माता थी वहां पर,
तो उन्होंने 11 महिलाओं को वहां पर तैयार किया कि हम लोग जो है चीवर लेंगे, भिखुनियों भिखुनियों से ही लेंगे, यदि भिक्षु चाहते हैं कि हम भिखुनियों से चीवर लें तो हम भिखुनियों से ही लेंगे, लेकिन वो भिखुनियां कहाँ की होंगी, चाइना की होंगी। बेशक उनका विनय अलग है, लेकिन जो है वो उपसंपदा जहां से उनकी जड़ है, जो उनकी शुरुआत हुई थी मूल, वो तो थेरावादा से ही हुई थी। तो कल्चर तो उनका वही चल रहा है, परंपरा तो वही चल रही है उनकी। विनय में थोड़ा सा हेर फेर हुआ है या फिर बदल हुआ है। उस समय जो है भिखुनी कुसुमा ने 11 महिलाओं को तैयार किया और चाइना, कोरिया, ताइवान, इन कंट्रीज से भिक्षुणियों को आमंत्रित किया गया चीवर देने के लिए। और इसके बाद 1996 में, 1996 में सबसे पहली जो भिक्खुनी की उपसंपदा हुई वो हुई हमारे भारत में, क्योंकि भारत से ही शुरुआत हुई थी। तो जब दोबारा पुनरुत्थान हो रहा है तो भारत से ही होगा, तो भारत से ही हुआ 1996 में जो है ये चाइना जापान सॉरी चाइना, कोरिया और ताइवान, इन तीन देशों की भिक्षुणियां भारत आई, श्रीलंका की 11 महिलाएं भारत आई, और 1996 में 1996 में सारनाथ में पहली जो है वहां पर प्रव्रजा हुई, और प्रव्रजा के बाद उपसंपदा हुई और वहां पर उन 11 महिलाओं को भिक्षुणी बनाया गया। श्रीलंका का कल्चर था, जैसा कर्म करते हैं वापस मुड़ करके आता है आपके पास में। श्रीलंका ही धम्म को चाइना लेकर गया, श्रीलंका की भिक्खुनियों ने ही चाइना में भिक्खुनियों की शुरुआत की, और आज आधुनिक युग में चाइना को वापस श्रीलंका का कर्जा उतारना ही पड़ा, और चाइना ने वापस जो है श्रीलंका की भिक्खुनियों को उपसंपदा देकर वापिस से भिक्खुनी संघ की शुरुआत की। और जब श्रीलंका की भिक्खुनियों ने उपसंपदा प्राप्त की और वो श्रीलंका गई, अब श्रीलंका के भिक्खुओं के पास में कोई विषय नहीं था बोलने के लिए कि हम भिखुनियों को स्वीकार क्यों ना करें, क्योंकि अब तो हमारे पास में सारे रीजन है स्वीकार करने के। और फिर वहां पर उसी साल में 20 महिलाओं की और उपसंपदा हुई, श्रीलंका में ही हुई। और इसके बाद में जो है 1998 में, 1998 में 2 साल बाद फिर से जब भिखुनी संघ इतना बड़ा होने लगा, श्रीलंका में स्वीकार्य हो गया, तो उसके बाद में 1998 में बोधगया में फिर से एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया, और वहां पर 23 कंट्रीज, 23 देशों के भिक्षु भिक्षुणी वहां आए, और वहां पर बहुत सारी महिलाओं ने चीवर धारण किया, बहुत सारी। अब वहां पर 18 सॉरी कई सारी महिलाएं थी, कई देशों की महिलाएं थी। तो वहां पर थाईलैंड की, जैसे आज हम जानते हैं अमेरिका की भिक्षुणी है आई है तथा लोका, जो कि कई सालों से धम्म कार्य कर रहे हैं, और बहुत ही उनका जो वाणी है बहुत ही मधुर है हम जानते हैं। तो उन्होंने वही बुद्धगया में ही ऑर्डिनेशन लिया। नागपुर से जो भारत की पहली भिक्षुणी आधुनिक युग में थी, जो लास्ट ईयर 7 फरवरी अभी परसों ही उनका जो है पहली पुण्यतिथि है, तो उन्होंने भी 1998 में उसी बुद्धगया वाले ऑर्डिनेशन में ही उन्होंने चीवर लिया, आइए विशाखा महाथेरी जी ने और तथा लोका जी ने, या साथ में धम्मानंदा जी ने थाईलैंड के, तो इन सभी ने जो है इकट्ठा जो है वहां पर 1998 में बुद्धगया में चीवर लिया। भारत की परंपरा वापिस भारत में ही आई, श्रीलंका, चाइना और कितने देशों के लोग यहाँ आकर वापस उपसंपदा प्राप्त किए, और फिर से भिखुनी संघ शुरुआत हुआ। आज हम देखते हैं कि भारत में भिखुनिया है, भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में भिखुनिया है, कई कंट्रीज में अभी भी मान्यता उन्हें को प्राप्त नहीं है। भारत की तो कोई ऐसा नियम अभी बना नहीं है भारत में एकजुट का कि जहां पर स्वीकार किया जाए या ना स्वीकार किया जाए, लेकिन सभी का अपना अपना विचार रहता है। हम लोग भी भिक्षुनी है तो हमें भी कई बार ऐसा, कई भिक्षु है भिक्षु संघ है जो हमें सपोर्ट करते हैं कि भिक्षुनिया होनी चाहिए, और कई भिक्षु संघ जो है वो सपोर्ट नहीं भी करते कि भिक्षुनिया नहीं होनी चाहिए, बुद्ध का शासन खत्म हो जाएगा। अगर वास्तव में भगवान ने ऐसा कहा होता तो कि बुद्ध का शासन खत्म हो जाएगा तो अब तक खत्म हो चुका होता, क्योंकि भिक्षुनिया तो 1000 साल से नहीं थी यहाँ पर। तो लेकिन आज भी जो है कई देशों में हम देख रहे हैं कि थाईलैंड में भिखुनिया है, श्रीलंका में स्वीकार्य है, इंडिया में भिखुनिया है, बर्मा में अभी भी नहीं है, लाओस कंबोडिया में अभी भी वो स्वीकार्य नहीं है, महायान कंट्रीज में अभी भी है। तो भिखुनियों की जो लीनेज है, भिखुनियों की जो वंशावली है, ये कहाँ से किस प्रकार से चलती आई, किस कारणों से टूटी, और वापिस उसे जब हम रिवाइव करना चाह रहे हैं तो रिवाइव ना होने देने का कारण जो भिखु बताते हैं वो केवल ये है कि भिखुनिया नहीं है तो उपसंपदा कौन देगा। जबकि हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान ने जब संघ का शुरुआत की तो भगवान ने भिखुनियों को
शुरुआत करते समय भगवान ने भिक्षुओं को ही कहा कि आप भिक्षुनियों को उपसंपदा दो, क्योंकि वो जानते थे कि उस समय भिक्षुनिया थी ही नहीं। तो ये एक बहुत मेन कारण है कि जब भिक्षुनिया है ही नहीं तो भिक्षुनियों को उपसंपदा तो भिक्षु ही देंगे ना, और जब भिक्षुनिया पर्याप्त मात्रा में हो जाएंगी तो उसके बाद में भिक्षुनिया अपने आप में उपसंपदा का कार्यक्रम कर सकते हैं, उपसंपदा दे सकते हैं। तो ये कुछ मूल कारण रहे, इस तरह से जो है भिक्षुनियों की वंशावली चलती रही। आज का जो हमारा विषय था वो इस कारण भी था क्योंकि आज माघ पूर्णिमा है, और माघ पूर्णिमा जो है माता महाप्रजापति के महापरिनिर्वाण की सॉरी परिनिर्वाण की घोषणा का भी होता है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण की घोषणा का है। जब माघ पूर्णिमा के दिन वैशाली में भगवान ने चपल चैत्य में भगवान ने ये घोषणा की कि आज से 3 माह के पश्चात मैं महापरिनिर्वाण को प्राप्त करूंगा, तो उस समय महाप्रजापति माता ने देखा कि मैं तो भगवान से उम्र में भी काफी बड़ी हूँ, क्योंकि वो 120 वर्ष की हो चुकी थी, तो मुझे पहले परिनिर्वाण को प्राप्त करना चाहिए, मैं अपने पुत्र को जो है बुद्ध को अपने सामने जाते हुए नहीं देख सकती। तो माता महाप्रजापति ने भगवान से अनुमति ली कि मेरा भिक्खुनी संघ सक्षम हो चुका है, बहुत सारी भिक्खुनियां हैं जो भिक्खुनी संघ का नेतृत्व कर सकती हैं, और मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, तो मैं परिनिर्वाण को प्राप्त करना चाहती हूँ। भगवान ने उन्हें अनुमति भी दी, और भगवान ने वहां पर उन्हें कहा कि आप अपने जो हम कहते हैं सुपर नेचुरल पावर्स जो है सिर्फ समाधि का अभ्यास करने से आती है, तो आप जाने से पहले जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सभा में, इन्हें ये ना लगे कि महिलाएं किसी भी तरीके से किसी भी ज्ञान में प्रज्ञा में कम है, तो आप इन्हें कुछ ऐसा दिखा कर जाएं कि आपके जाने के बाद लोगों के मन में ये श्रद्धा रहे कि महिलाएं भी उतनी ही सक्षम है जितने पुरुष हैं। तो उस समय महाप्रजापति माता ने अपनी अभिज्ञा से अपने सुपरनेचुरल पावर से समाधिस्थ होकर के कुछ ऐसी चमत्कार तो नहीं कहेंगे, कुछ ऐसे जो अपना ज्ञान था प्रज्ञा थी ऐसा प्रदर्शित किया जिसकी वजह से वहां के लोग सभी नतमस्तक हो गए माता महाप्रजापति के आगे। और फिर माता महाप्रजापति ने आज के दिन ही घोषणा की, माघ पूर्णिमा के दिन ही घोषणा की कि अब जो है मैं परिनिर्वाण में प्रवेश करूंगी। इसके बाद आज से लेकर अगले 7 दिन तक लगातार, क्योंकि वो जाने वाली थी, तो लगातार 7 दिन तक उन्होंने अपने भिक्खुनी संघ को उपदेश दिया, और 7 दिन तक भिक्खुनी संघ को उपदेश देने के बाद 8वें दिन जो इसके नेक्स्ट जो अष्टमी आने वाली है उपोषत है, तो उस दिन जो है उन्होंने परिनिर्वाण में एंटर किया, उन्होंने परिनिर्वाण को प्राप्त किया। और उन्होंने अकेले ही नहीं बल्कि उनके साथ में जो 500 शाक्यानी रानियां थी जिन्होंने उन्हीं के साथ में चीवर लिया था, चीवर धारण किया था, तो उन्होंने भी उनके साथ में ही परिनिर्वाण में एंटर किया। तो महाप्रजापति से कैसे ये आरंभ हुआ, और इसके बाद में संघमित्रा के बाद भारत में तो भिक्खुनियों का इतिहास कहीं मिला ही नहीं, मिला तो केवल श्रीलंका में मिला, और श्रीलंका से भी फिर 11वीं शताब्दी में समाप्त हुआ, और 1000 सालों तक भिक्षुनियां गायब भी रही। भिक्षुनियां हो भी सकती हैं, ऐसा भी किसी को आभास भी नहीं था कि भिक्षुनियां हो भी सकती हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं चिंगारी जो थी वो चिंगारी सुलग रही थी, और वो चिंगारी सुलग रही थी चाइना में, जो कि अज्ञात था, किसी को पता ही नहीं था कि कब 4थी शताब्दी में 5वीं शताब्दी में श्रीलंका के भिक्षुनियों ने चाइना में जाकर के उपसंपदा दी और चाइना की महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया, और तब से चाइना में जो है भिक्खुनी संघ था। लेकिन हम यहाँ थेरावादा कंट्री को अलग करने की वजह से जो है हम केवल बर्मा, थाईलैंड, भारत, नेपाल, श्रीलंका इस तक ही सीमित रह गए। लेकिन वो कॉन्फ्रेंस में जाने के बाद में जब पता चला कि वास्तव में चाइना में जो भिक्षुनियां हैं उनका इतिहास श्रीलंका से ही शुरू हुआ, और वापिस जो है श्रीलंका को उन्हें देना भी है जो उन्होंने लिया है, तो वापिस जो है उन्होंने श्रीलंका को दिया। लेकिन इस बीच में जो इतना प्रयास किया गया, थाईलैंड में जिस तरीके से महिलाओं को जेल में डाला गया भिक्षुनी बनने के लिए, बर्मा में जिस तरीके से महिलाओं को जेल में डाला गया केवल भिक्षुनी बनने के लिए, मतलब कोई व्यक्ति सोच भी कैसे सकता है कि महिला कोई धार्मिक, अगर हम देखें कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से ज्यादा धार्मिक होती है, महाराष्ट्र में तो बहुत, अगर ये स्थिति आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी कि विहारों का जो रख रखाव है, विहारों की जो देखभाल है, वो सब महिलाएं करती है। जब महिलाएं सबसे ज्यादा धार्मिक होती हैं तो महिलाएं चीवर धारण क्यों नहीं कर सकती हैं, उन्हें वो अधिकार क्यों नहीं है? पर इस तरह से आज अधिकार मिल भी गया है तो भी इतना भेदभाव क्यों है? यहाँ तक कि जो उपासक उपासिका भी अगर कहा जाए जो ठीक से अभी धम्म को समझे नहीं है, तो वो जब महिला को देखते हैं, भिक्षुनी को देखते हैं, तो वो भिक्षुनी को देखकर कम सत्कार प्रकट करते हैं, लेकिन अगर कोई भिक्षु है तो उसको देख करके ज्यादा करते हैं। जब भगवान ने इन दोनों दृष्टिकोण में देखिए, दो दृष्टिकोण है भगवान के, एक है
आध्यात्मिकता का। अगर हम भगवान के धर्मों को देखें तो हम इसे बहुत आराम से सरल तरीके से हम देख सकते हैं कि भगवान एक तो बताते हैं आध्यात्मिकता का मार्ग या बुद्धत्व का मार्ग, अरहंत पद का मार्ग, जो सभी के लिए बराबर है। वहां चाहे पुरुष है चाहे महिला है, कोई भी है, वहां वो समान है। एक आता है गृहस्थ जीवन का मार्ग, जो हमारे डेली जीवन का है, सुख शांति का है, उपासक उपासिकाओं के लिए है। वहां पर भगवान ने महिला और पुरुष में भेद नहीं किया, लेकिन उनके अंतर को बताया है और उनके अंतर को समझाया, क्योंकि महिला और पुरुष है, उसमें डिफरेंस है। हम कहते हैं महिला और पुरुष समान है, समान नहीं है। किस चीज में समान नहीं है? शरीर में, फिजिकली अगर हम देखें तो वो समान नहीं है। महिलाओं के पास में जो प्रॉब्लम्स होती हैं फिजिकली, वो पुरुषों के पास में नहीं होती। जो पुरुषों के पास में होती है वो महिलाओं के पास में नहीं होती। लेकिन अगर इंटेलेक्चुअल की बात आती है, जो मैं कह रही हूँ आध्यात्मिकता की बात आती है, हमारी स्पिरिचुअलिटी की बात आती है, तो वहां पर महिला और पुरुष दोनों ही समान हो जाते हैं। तो जब भगवान ने किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया है, तो हमें आज के समय में हमें भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि जितना भिक्षु इंपॉर्टेंट है उतनी ही भिक्षुणिया इंपॉर्टेंट है। अब भिक्षुणिया होनी भी क्यों चाहिए? क्या भिक्षुणियों के बिना शासन नहीं चल पाएगा? भिक्षुणियों के बिना भी शासन चल रहा है, लेकिन जितना प्रभावशाली भिक्षुणिया कर सकती है, मैं तो स्वयं के लिए कहती हूँ, मैं स्वयं, मैं जो मैंने देखा है और यहाँ पर जो जितने लोग जुड़े हैं, तो उसमें भी जो मुझे जानते हैं पर्सनली, वो ये जानते हैं कि जहां जहां हम लोग जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि भारत तो अभी बहुत पिछड़ा हुआ है, यूपी बिहार में बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर महिलाओं को अभी तक घर से निकलने की अनुमति नहीं है, लेकिन जब हम लोग वहां जाते हैं, भिक्षुणियां जाती हैं, तो महिलाएं हमसे बहुत सारी चीजें शेयर कर पाती हैं जो वो पुरुषों से नहीं कर सकती। यदि भिक्षु विहार में अभी भी आप देखेंगे, यहाँ बिहार में किसी भी तरह का जो है कार्यक्रम होता है हमारे बिहार में ही, तो चाहे रात के 12 बज जाए चाहे रात के 2 बज जाए, लड़कियां हैं, बड़ी बड़ी लड़कियां हैं, 20 22 25 साल की लड़कियां हैं, जो धर्मों को धीरे धीरे सीख रही हैं, धर्मों में अग्रसर हो रही हैं, महिलाएं हैं, वो रात को 12 बज गए 1 बज गए बैठे रहते हैं, यहाँ पर काम करते रहते हैं, सजावट कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं, और उनके घर में पुरुषों को भी कोई दिक्कत नहीं होती है। वो धम्म सीख रहे हैं, कुछ अच्छा सीख कर जा रहे हैं, और अगर वो अच्छा सीख कर जाएंगे तो घर में वही सुख शांति का वास करवा पाएंगे। अगर महिला शांत नहीं है, महिला अगर खुश नहीं है, तो पूरे घर में जो है किसी भी तरह का कलह उत्पन्न कर सकती है। तो महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए ये बहुत जरूरी है। और कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं, जैसे कि आप जानते हैं, चाहे वो अबॉर्शन को लेकर के हो, चाहे वो मंथली पीरियड्स को लेकर के हो, चाहे वो किसी भी तरह की शरीर में उठ रही वेदनाओं के बारे में हो, ये गृहस्थ जीवन की जो समस्याएं हैं, यदि वो शेयर करके और इसका अच्छा सुझाव चाहती हैं कि हम इसे कैसे हैंडल करें अपने जीवन में, किसे अच्छी तरह से हम लोग जी पाएंगे, किसी भी समस्या को हम कैसे समझ पाए और कैसे हम उससे उभर पाए, तो इन सब चीजों के लिए वो शेयर करने के लिए वो खोजती है कि कोई ऐसी महिला हमें विश्वास वाली मिले जिसे हम ये सारी चीजें बता सके और अच्छा सुझाव पा सके। लेकिन होता क्या है कि जब हम किसी अपनी सहेलियों को या फिर हम अपने पड़ोसी को या किसी रिश्तेदार में अपनी बहन को, अपनी माता को, किसी को भी बताते हैं, तो वो केवल सांसारिक जीवन में, वो भी अपने अनुभव से जुड़ा हुआ जो भी उनका अनुभव रहता है, उसी से वो आंसर दे पाते हैं। और हो सकता है कि आप अपनी समस्या जब उनसे शेयर करते हैं तो इन्हीं चीजों को लेकर के वो आपसे ज्यादा पीड़ित होंगे, तो उनके पास में कोई समाधान होता ही नहीं है। लेकिन जब आपके पास में भिखुनी होती है, महिला होती है, भिक्षुणी होती है, तो आप उनसे अच्छे से ये चीजें शेयर कर पाते हैं और वो आपको धम्म के अनुसार जो उसका समाधान है वो भी आपको दे पाते हैं। तो इस चीज के लिए साथ में भगवान बुद्ध का जो स्तंभ, 4 स्तंभ हमने बताए हैं, वो तो स्ट्रांग होंगे ही, होने ही चाहिए, क्योंकि 4ों स्तंभ स्ट्रांग होंगे तभी भगवान बुद्ध का जो है शासन चलेगा। तो कई चीजों के लिए भिखुनिया जरूरी है और होनी भी चाहिए। जितना भिखु संघ स्थापित है, आज भी हम देखते हैं कि पूरे भारत में एक भी ऐसा विहार नहीं है जो भिखुनियों के लिए स्पेशल बना हो, ट्रेनिंग सेंटर बना हो। यहाँ तक कि वियतनाम जैसे देश में बहुत सारी भिक्षुनियां स्थापित हो चुकी हैं। वियतनाम महायान एक कंट्री रहा है, लेकिन उसमें थेरावादा भिक्षुनीय संघ स्थापित हो चुका है, वहां बहुत सारे संघ हैं। आप US में देखिए, आजान चाह की मोनेस्ट्री के जितने भी भिक्षु हैं, उन्होंने भी भिक्षुनियों को सपोर्ट किया। यहाँ तक कि आजान ब्रह्म जो हैं, जिनके हम हमेशा इंग्लिश अनुवाद पढ़ते भी हैं त्रिपिटक का, आजान ब्रह्म ने जब भिक्षुनियों को स्वीकार किया तो उन्हें उनके विहार से ही बाहर भी निकाल दिया गया था, सिर्फ इसी कारण से कि उन्होंने भिक्षुनियों को सपोर्ट किया है। आजान अनालयो है, उन्होंने भिक्षुनियों को सपोर्ट किया है। यहाँ तक कि दलाई लामा जी ने स्वयं जो है 1900
87 में, 1987 में एक स्टेटमेंट दी थी जहां पर दलाई लामा ने स्वयं कहा था कि महिलाओं को भी उतना ही सशक्त बनाना है धर्म में जितने पुरुष हैं। तो दलाई लामा की इस स्टेटमेंट की वजह से भी जो हमारा 1996 में ऑर्डिनेशन हुआ वो दलाई लामा की स्टेटमेंट की वजह से भी बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव रहा, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा, क्योंकि उन्होंने भिखुनियों को सपोर्ट करने के लिए कहा। तो जब इतने बड़े बड़े प्रज्ञावान लोग, दलाई लामा जी जैसे लोग, और जो हम जानते हैं वियतनाम के सबसे बड़े जो टीचर थे थिच हन नाथ जो थे, उन्होंने भी जो है भिखुनियों को सपोर्ट किया, उन्होंने भी पूरा अपना आर्टिकल दिया, उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट दी कि जितना भिखु संघ है उतना ही भिखुनी संघ होगा तभी धम्म जो है अच्छे से चल पाएगा। तो मुझे लगता है कि मैंने काफी कुछ आपको बताया है, हालांकि बना नोट्स बहुत है अभी, लेकिन ये जो डिटेल में हिस्ट्री इन चीजों की है ये हमें पढ़नी होगी जरूर, और तभी हम समझ पाएंगे कि भिखुनिया भी भिखुनियों के साथ में किस तरह से न केवल गृहस्थ महिलाओं के साथ बल्कि भिखुनियों के साथ में उसी तरीके से जो है समस्याएं होती हैं, भिखुनियों के जीवन में भी समस्याएं होती हैं कि उन्हें भिखु संघ स्वीकार नहीं करता है। और हम यही कहते हैं कि हम भिखुनिया बने हैं भिखु संघ से स्वीकार कराने के लिए नहीं बने, लेकिन भगवान ने जब हमें कहा है कि हम भी उसी ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, उसी प्रज्ञा को प्राप्त कर सकते हैं जिसे भिखु प्राप्त कर सकता है, तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि कोई हमें स्वीकार करता है या नहीं करता है। लेकिन उपासक उपासिका होने के नाते सभी को ये जानकारी होनी चाहिए कि जितना भिखु संघ इम्पोर्टेंट है उतना ही भिखुनी संघ भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं आप सभी से अंत में यही कहना चाहती हूँ कि आज माता महाप्रजापति के परिनिर्वाण उद्घोषणा का दिन है, और इस दिन पर हम सभी संकल्प ले कि आने वाले समय में हम जितना भिखु संघ को सपोर्ट करते हैं उतना ही हम भिखुनी संघ को भी सपोर्ट करें, ताकि भारत में चारों उपासक संघ जो है वो बहुत मजबूत है, उपासिका संघ भी बहुत मजबूत है, भिखु संघ भी मजबूत है, लेकिन एक जो हमेशा अनदेखा कर दिया जाता है भिखुनी संघ, अब हम उसे अनदेखा नहीं करेंगे और भिखुनी संघ को भी हम उतना ही सपोर्ट करेंगे और उतना ही हम लोग जो है उन्हें धर्म में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, महिलाओं को प्रोत्साहित करेंगे, ताकि हम जो है भगवान बुद्ध की धम्मों को जो है एक मजबूत नींव दे सके, मजबूत चार स्तंभ दे सके, और भगवान का जो शासन है वो इसी प्रकार से चलता रहे, और जितनी भी समस्याएं महिलाओं के लिए भिखुनी बनने के लिए इतिहास में हुई है वो भविष्य में कभी वापस ना दोहराई जाए इसके लिए भी हम प्रयासरत रहेंगे। इसी के साथ में मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ, और आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद है कि आप लोगों ने बहुत शांतिपूर्वक सुखपूर्वक मन को एकाग्र करते हुए धम्म को सुना है, और ये धम्म आपके लिए चिरकाल तक लाभकारी होगा। भगवान बुद्ध के शासन को चिरकाल तक बनाए रखने के लिए, सधम्म को चिरकाल तक बनाए रखने के लिए लाभकारी होगा, ऐसी मंगल कामना करती हूँ। साधु 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 साधु, बहुत बहुत साधुवाद आइए आपका। इतने हमें नई जानकारी मिली, तो भिक्कुनी की वंशावली जो हम हमेशा अनदेखा करते हैं, या फिर हमें उतनी जानकारी नहीं है, हमारी उतनी पढ़ाई नहीं है, तो हमें बहुत सारी नई जानकारी मिली, बहुत अलग अलग पहलू, और किस तरह से ये आज की स्थिति पर पहुंचा है इसके बारे में हमें जानकारी मिली। तो बहुत बहुत साधुवाद आपका। और अभी हम ये क्वेश्चन आंसर्स सेशन की तरफ बढ़ते हैं, तो जैसे कोई सवाल है तो वो हैंड रेस कर सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो हम ये उनसे सवाल पूछेंगे। मुझे एक सवाल दिख रहा है चैट बॉक्स में, आपने थोड़ा उसे टच किया, लेकिन मैं दोहराना चाहूंगी अगर आप उसे कुछ और विस्तृत में बताना चाहें। So many thanks for today's desna. It is very insightful. Would like to humbly ask, क्या तथागत जेंडर बायस को मानते थे? अगर शरीर को कोई अस्तित्व मरने के बाद अगर शरीर का कोई अस्तित्व मरने के बाद नहीं रहता है तो ऐसा भेद क्यों? मैंने अभी बताया था आपको कि तथागत जो है वो जेंडर बायस को नहीं मानते थे, वो कोई पक्षपात नहीं करते थे, लेकिन जब हम लोग कहते हैं कि हम दो तरीके से देखते हैं, जब हम आध्यात्मिकता की तरफ देखते हैं तो निश्चित रूप से महिला और पुरुष की प्रज्ञा में कोई अंतर नहीं है। जिस समाधि के जिस स्तर को पुरुष प्राप्त कर सकता है उसे महिला भी प्राप्त कर सकती है, लेकिन जब हम लोग गृहस्थ जीवन में देखते हैं, सांसारिक जीवन में देखते हैं, तो निश्चित रूप से महिला और पुरुष में भेद होता है।
महिला जो है वो जन्म देती है, महिला जो है हर महीने महावारी से गुजरती है, जिसे पुरुष सिर्फ सोच सकता है लेकिन उसे कभी दर्द को महसूस नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये अंतर जरूर था। और भगवान ने जो नियम बनाए हैं, आप देखेंगे कि भिक्षुनी के लिए भगवान ने 311 नियम बनाए हैं और भिक्षु के लिए 227 नियम है। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान ने भेदभाव यहाँ भी किया है कि महिलाओं के लिए ज्यादा नियम बनाए हैं, लेकिन हमने नियम पढ़े हैं, हम लोग जानते हैं कि ऐसा ये इसलिए नहीं है कि भेदभाव किया है, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए और जो मैंने परेशानियां भी आपको बताई, इन समस्याओं को देखते हुए भगवान ने कुछ महिलाओं के लिए कुछ ज्यादा नियम बनाए, भिक्षुनी के लिए ज्यादा नियम बनाए हैं ताकि वो जो है सुरक्षित महसूस कर सके, और केवल इसीलिए नियम संख्या के नियमों की जो संख्या है वो ज्यादा है। और आपका आगे क्वेश्चन है कि अगर शरीर का कोई अस्तित्व मरने के बाद नहीं रहता है तो ऐसा भेद क्यों? एक्चुअली मैं आपके क्वेश्चन में ही जो है वो गलत है कि शरीर के मरने के बाद कोई अस्तित्व नहीं रहता है। अस्तित्व बिल्कुल रहता है, वो किसी ना किसी भाव में, किसी ना किसी रूप में वो अस्तित्व जरूर रहता है, अस्तित्व एकदम समाप्त नहीं होता है। तो ये भेदभाव जो है ये प्रकृति नहीं करती है हमारे साथ में, ये मनुष्यों की चेतना करती है। और यदि आप पुरुष हैं तो आप समझ पाएंगे कि कहीं ना कहीं पुरुषों में पुरुषत्व भाव जो है कई बार हावी हो जाता है, जहां पर वो महिलाओं को अपने से हीन समझते हैं, तो ये हीन भावना के कारण जो है ये भेदभाव जो करते हैं। लेकिन भगवान ने कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई भी अंतर महिला और पुरुष में नहीं किया है। भगवान ने तो स्वयं आनंद को ये बोलकर चुप कराया था कि नहीं आनंद, ऐसा जब आनंद ने पूछा कि आप अपनी माता को भिक्खुनी संघ में प्रवेश क्यों नहीं देना चाहते हैं, क्या आप ऐसा मानते हैं कि जिस पद को भिक्षु प्राप्त कर सकते हैं उस निर्वाण पद को महिला नहीं प्राप्त कर सकती, तो भगवान ने कहा नहीं आनंद ऐसा मत कहो, ये बिल्कुल गलत है। जो जिस निर्वाण पद को पुरुष प्राप्त कर सकता है उसकी निर्वाण पद को महिला भी प्राप्त कर सकती है, भगवान ने स्वयं वहां क्लियर किया था। तो भगवान ने कहीं भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया है, ना ही प्रकृति ने भेदभाव किया है, ये केवल जो है मनुष्य की चेतना है, पुरुषत्व भाव है जो ये भेदभाव करता है। साधु साधु साधु। हम हमारे इस सत्र में समंदर परिवार की तरफ से आचार्य राजेश चंद्रा जी भी जुड़े हैं। उन्होंने चैट बॉक्स में कमेंट लिखा हुआ है कि समंदर परिवार हमेशा भिक्खुनी संघ को घोषित करता है और पोषित करता है और करेगा, तो उनकी तरफ से ये कमेंट आया है। साधु साधु साधु। उनके संघ में भिक्खु और भिक्खुनी दोनों को ही बराबर मान सम्मान दिया जाता है, और वो हमेशा मुझे अपने कार्यक्रम में और अपने समन में परिवार में आमंत्रित भी करते हैं, तो उनका साधुवाद है। और जिस तरह से आप प्रयास कर रहे हैं इसी तरीके से सभी जो है इस बात को समझेंगे और भिक्खुनियों के लिए समान प्रयास करेंगे, ऐसी आशा करती हूँ। साधु साधु साधु। आइए दूसरा सवाल मुझे दिख रहा है चैट बॉक्स में। I wanted to know the reference in Tipitaka of conversation between Mara and the Tathagata about four pillars where Bhagwan spoke about Bhikkhuni Sangha. Okay, ये आपको विनय पिटक में ही मिलेगा, बोधि कथा के आसपास में ही मिलेगा, जहां पर भगवान बुद्ध ने बोधि ज्ञान को प्राप्त किया। इसके पश्चात भगवान ने 7 सप्ताह बिताए, उसके बाद में ये भगवान से मार की ये कन्वर्सेशन हुई थी। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं, मैं आपको इसका पूरा जो एग्जैक्ट रेफरेंस है वो मैं बिल्कुल आपको भेज दूंगी। लक्ष्मी जी साधुवाद। अगला सवाल दिख रहा है बंदामी अय्या। विनय में धम्मगुप्त विनय और कौन सा विनय बताया आपने दूसरा? मुझे नहीं दिख रहा है जो आपने विनय बताया। धर्मगुप्त विनय और कौन सा? थेरावादा विनय, सबसे पहला थेरावादा विनय है जो भारत, श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस इन देशों में है, और इसके बाद में धर्मगुप्त का है जो चाइना, कोरिया, जापान इन देशों में है, और इसके बाद में एक ताइवान में जो है वो है आपका मूल श्रावस्तीवाद विनय। नेक्स्ट सवाल है, चेतना के स्तर पर भी ये भेद होता है? नहीं, चेतना के स्तर पर कोई भेद नहीं है। और जब हमारा कर्म निर्माण होता है, हम लोग चेतना से कर्म निर्माण करते हैं, चाहे वो काया का हो, चाहे वो वचन का हो, चाहे मन का हो, तीनों ही कर्म हम चेतना के आधार पर बनाते हैं, हमारी जैसी चेतना होती है। तो पुरुष और महिला की चेतना एक हो सकती है, भिन्न भिन्न भी हो सकती है, लेकिन इसके आधार पर कोई भी जो है इसके स्तर पर जो है कोई भी आधार इस तरह का नहीं है हमारा कि कोई भी भेदभाव होता हो, चेतना के स्तर पर कोई भेदभाव नहीं होता है। बहुत बहुत साधु। अगला सवाल है, क्या स्त्री प्रत्येक भाव में स्त्री ही होती है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है।
वो किसी भी रूप में जन्म ले सकती है, ये अपने कर्मों के आधार पर है, किसी भी रूप में जन्म ले सकती है, जरूरी नहीं है कि वो स्त्री ही होगी हर भाव में। जी, बहुत बहुत साधुवाद। एक कमेंट आया है कि ये भिक्कुनी संघ की हिस्ट्री को यूट्यूब पर भी डाल भी दे दीजिए। तो जी, इसके ऊपर में बिल्कुल यूट्यूब पे भी डालने का प्रयास किया जाएगा, और एक इतिहास में भिक्खुनी संघ का जो इतिहास है उस पर एक किताब भी लिखी जाएगी, क्योंकि मैंने जितने भी अभी तक पढ़ा है और आर्टिकल्स पढ़े हैं तो मैंने सारा जो है इंग्लिश में ही पढ़ा है, मुझे हिंदी में कहीं पर भी नहीं मिला है भिक्षुणियों के लिए। तो मैं प्रयास कर रही हूँ कि भिक्खुनी संघ का जो इतिहास जो है महाप्रजापति से लेकर के और आज तक जो है वो पूरा जो है आपको मिले, और वो हिंदी में पढ़ने के लिए आपको मिले, तो ऐसा प्रयास किया जाएगा। तो ये जो सारे इतिहास है अलग अलग जगह से, हम लोग प्रयास करेंगे कि इसे यूट्यूब पे भी डाला जाएगा। ये तो खैर अभी आना में जो आप देशना हुई है इसे यूट्यूब पे अपलोड करेगा ही आना अपने चैनल पर, और इसके अलावा भी हम प्रयास करेंगे। जी जी शोभा जी जी, बहुत बहुत साधुवाद। या ये हम आज की रिकॉर्डिंग अभी शुरू है और हम इसे तुरंत यूट्यूब पे भी सबके साथ में शेयर करेंगे, ग्रुप पर भी। तो आप लोग भी अपने अपने परिवार में जितनी भी महिलाएं हैं या जो भी भिक्षुणी बनना चाहती हैं, या भगवान बुद्ध के धम्म में जितनी भी श्रद्धावान उपासिकाएं हैं, सभी के साथ में जो है आना की ये लिंक शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी अपने समय अनुसार इसको सुन सके और जान सके कि भारत में भिक्षुणियों को कितना संघर्ष शुरू से करना पड़ा है, और अब तक भी वो संघर्ष कर ही रही हैं, और फिर भी जो है वो डटी हुई है, और पुरुषों से ज्यादा कहीं ना कहीं वो जो है धैर्य रख करके। ये बहुत अच्छी चीज है कि हम भिक्षु को देखते हैं तो जितना महिलाएं भिक्षुणी बनने के बाद में डिसिप्लिन में रह सकती हैं, अनुशासन में रह सकती हैं, जितना वो पेशेंस से धैर्य रख करके सहनशीलता से वो धर्म का पालन कर सकती हैं, वो पुरुष नहीं कर सकते हैं। ये अंतर, बहुत बड़ा अंतर पाया गया है, और ये श्रीलंका में एक स्टेटमेंट में कहा भी था कि मैं देखता हूँ कि भिक्षुणी जब संघ में होती है तो जितना अनुशासन में वो रहती है उतना अनुशासन में पुरुष बहुत कम रह पाता है, या भिक्षु बहुत कम रह पाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, तो आप शेयर करेंगे तो आशा करती हूँ कि सभी को इसमें मदद मिलेगी कि भिक्षुणियों के बारे में जानने के लिए और उन्हें सपोर्ट करने के लिए। साधु साधु साधु। अगला सवाल आया है, अगर चेतना के स्तर पर कोई भेद नहीं है तो मैन एंड वुमेन आर इक्वल। साधु साधु साधु, मैनी थैंक्स फॉर ऑल द आंसर्स। तो उनका ये उन्होंने कमेंट किया है। जी, अच्छा, अगला सवाल है, क्या महिला भी सम्यक संबुद्ध या पच्चेक बुद्ध बन सकते हैं? नहीं तो क्या कारण है? बन सकती है, महिला अधिष्ठान करे, पारमिताओं को पूरा करे, और किसी ना किसी भाव में जो है वो अवश्य ही बनेगी। और वो लिंग भेद के कारण खाली है, मतलब जिस भाव में उन्हें बुद्ध बनना है उस भाव में तो उन्हें पुरुष के रूप में ही जन्म लेना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लिंग भेद होता है। और जहां पर वो महिलाएं जो होती हैं, क्योंकि वो अपना जो गर्भ धारण करना है या फिर महावारी है, इसके कारण में कुछ लिमिटेशंस हैं जिसके कारण महिलाएं जो है वो बुद्ध नहीं बन पाती हैं। उसके लिए मैं चाहे तो हमारी अगली क्लास होगी तो उसे डिटेल में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन कुछ कारणों से तो जिस भाव में उन्हें बुद्ध बनना है, सम्यक संबुद्ध बनना है, उस भाव में उन्हें पुरुष के रूप में ही जन्म लेना होगा, लेकिन उससे पहले वो अधिष्ठान कर सकती हैं और पारमिताओं को पूरा कर सकती हैं, अनेक अनेक भाव में महिला के रूप में भी कर सकती हैं। बहुत बहुत साधुवाद। अगर किसी के सवाल है और पूछना चाहते हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, हम उन्हें अनम्यूट करेंगे, या फिर चैट बॉक्स में भी अपने सवाल डाल सकते हैं। फिलहाल कोई सवाल नहीं है, हम थोड़ा समय दे सकते हैं यार। जी, मैं ग्रुप की जानकारी भी इसमें डाल देती हूँ, और आपका नंबर भी आप डाल सकते हैं ना इसमें। जी। अगर किसी को कोई सवाल है तो हम बाद में भी मतलब आपसे पूछ सकते हैं, या फिर ग्रुप में उनकी। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डाला है कमेंट में,
आप सभी जो है, जिनके पास में मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है, आप इस पे जो है मुझे मैसेज कीजिए, अपना नाम लिख दीजिए, और उसके बाद में जो भी आपका कोई सवाल होगा तो आपको इसका आंसर जरूर मिलेगा, और साथ ही साथ में नियमित जो मेरा धम्म संदेश रहता है वो आपको मिलता रहेगा, जो है प्राप्त होता रहेगा। मैं जहाँ कमेंट में पढ़ पा रही हूँ, आपकी जी देवचिता अगर यूट्यूब पर रखी जाएगी तो हम बिहार में बैठकर सामूहिक रूप से इसे देखेंगे, सुनेंगे। जी परेश जी, आना के चैनल पे आप देख सकते हैं, इसे जो है अपलोड किया जाएगा यूट्यूब पे, आपके साथ में जानकारी शेयर कर दी जाएगी जैसे ही ये अपलोड किया जाएगा, तो बिल्कुल आप अपने बिहार में महिलाओं को बैठा करके आप इसे जरूर दिखाइए। जी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप, अगर आप नहीं है उसमें तो आप वहां पर, ये अभी चैट में मैंने शेयर कर दिया है, आप इसमें ज्वाइन कीजिए। इसमें रेगुलर आपको अपडेट्स मिलेंगे कौन से अगला लेक्चर, ये हम जी हर हफ्ते ये लेक्चर्स ज्वाइन करते हैं, अलग अलग स्पीकर्स बुलाते हैं, तो जी आपको इसकी जानकारी भी मिलेगी, सारे रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगे, तो अगर आप नहीं है तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और जी मैं यहाँ धम्मदीना से भी उनसे रिकॉर्डिंग हम शेयर करेंगे, तो आप भी अगर आपके ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, जी या बिल्कुल फिर जिन्हें बिल्कुल, मैं सभी के साथ शेयर करूंगी ताकि जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं वो लोग बाद में अपने समय अनुसार जो है देख सकें उसको। एक मैसेज मुझे दिख रहा है चैट बॉक्स में कि अय्या जी का क्या मीनिंग होता है। अय्या जी जो है, अय्या जो है वो पाली भाषा का शब्द है। अय्या एक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और अय्ये जो है वो बहुत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो पाली भाषा का शब्द है। और अय्या का हिंदी में अगर हम कहें तो आर्या होता है, और आर्या का अर्थ होता है जो श्रेष्ठ है, ज्ञानी है। श्रेष्ठ और ज्ञानी व्यक्ति को आर्या कहा जाता है। तो जो भिक्षुणियां, जो महिलाएं जो श्रेष्ठ होती हैं, ज्ञानी होती हैं, उन्हें पाली भाषा में अय्या शब्द से संबोधित किया जाता है, जैसे कि भिक्षु को भंते शब्द से संबोधित किया जाता है। तो अय्या का अर्थ है आर्या, अर्थात श्रेष्ठ या ज्ञानी। बहुत बहुत साधु है। भाले शंकर सर, आपका हैंड रेज है तो मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। जी आप अनम्यूट है सर। वंदामी अय्या जी, जी साधु साधु साधु। मैं बालशंकर बोल रहा हूँ नासिक हाँ से। जी तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और मैंने ज्यादा तो सुना नहीं, मैं यूट्यूब पे सुनूंगा आपका सब ये लेक्चर। तो जी अब तक मैंने सुना कि जो भिक्कुनी का इतिहास जो है तो हिंदी में अभी तक किसी ने लिखा नहीं, ऐसा आप कुछ बोल रहे थे। तो मुझे लगता है शायद एक नागपुर की अय्या जी है, जी विजय मैत्रेय जी। मैत्रेय, भिक्खुनी विजय मैत्रेय। हाँ, जी जी उन्होंने जी शायद हिंदी में अभी अभी पिछले साल एक भिक्खुनी का इतिहास जो इसी है, साल, हाँ पिछले साल 2022 में। जी हाँ, वो जी उसका किताब प्रकाशित किया है उन्होंने। नहीं, उन्होंने काफी अच्छी किताब प्रकाशित की है, और जो कुछ उसमें छूटा है तो हम प्रयास करेंगे कि हमारा जो पुस्तक होगी तो उसमें उसे जोड़ा जाएगा, जो कुछ उसमें अभाव रह गया या छूट गया है तो उसे हम प्रयास करेंगे उसमें जोड़ने का। अच्छा, ठीक है, जी बहुत जी अच्छा। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु। रीमा जी का एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि भिकुनी संघ को बढ़ावा देने के लिए एज अ लेमैन व्हाट वन कैन डू। देखिए आप ये कर सकते हैं, सबसे पहला तो आप जितना भी आपके घर में संस्कार होता है, जब भी आप देखते हैं कि आप भिक्षु को बुलाना चाहते हैं, आमंत्रित करना चाहते हैं, उतना ही आप प्रयास कीजिए कि आप भिकुनियों को भी आमंत्रित करें। साथ ही साथ में जैसे हम भिक्खु विहार को सपोर्ट करते हैं, भिक्खु विहार बनाने के लिए, भिक्खुओं को चीवर दान के लिए, इसी तरह से हम लोगों को भिक्खुनी विहार के लिए भी प्रयास करना चाहिए। और आपको ये भी जानकारी होगी कि मैं जो है अभी भिक्खुनी विहार के लिए हम लोग एक लैंड भी देख रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी एक मैसेज में लिखा था कि हम लोग वो भी प्रयास कर रहे हैं। तो आपको जितना भिक्खु संघ को सपोर्ट करते हैं, जो भी आप भिक्खु संघ को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, जिसकी वजह से भिक्खुओं की संख्या बढ़ रही है, वही प्रयास आपको भिक्खुनी के लिए भी करना है। और ज्यादा से ज्यादा आप प्रयास कीजिए कि आपके घर से, परिवार से अगर कोई लड़कियां हैं या महिलाएं हैं जो भिक्खुनी संघ में प्रवचित होना चाहती हैं, तो आप उन्हें भी भिक्खुनी संघ में प्रवचित करने का प्रयास कीजिए, ताकि भिक्खुनियों की संख्या भी बढ़े और उनके लिए पर्याप्त शिक्षा के माध्यम हो, प्रशिक्षण केंद्र हो, उन्हें किसी भी तरह की सुख सुविधाएं, जो जो भी उनका है, भोजन है, चीवर है, उन्हें अभावग्रस्त ना रहे, ये भी हमें प्रयास करना है। यहाँ तक कि भगवान बुद्ध के समय में एक घटना भी हुई थी जहां पर भगवान बुद्ध को 8 चीवर दान में मिले थे, और उन्हें वो 8 चीवर भिक्षु और भिक्षुनियों के लिए मिले थे। अब वहां पर जो है 4 भिक्षु थे और 1 भिक्षुनी थी, लेकिन भगवान ने जो है फिर भी
चार चीवर भिक्खुओं को दिए और चार चीवर भिक्खुनियों को दिए। मतलब उन्होंने ऐसा नहीं किया कि भाई भिक्खु भिक्खु की संख्या ज्यादा है तो हम आठ में से ज्यादा भिक्षुओं को दे दे चीवर। भगवान ने विहार में गए और विहार में जाकर के चार भिक्षुओं को दिए और चार भिक्षुनियों को दिए, जबकि एक ही भिक्षुनी थी वहां पर। तो उन्होंने कहा कि आप बराबर बराबर। तो हमें यही प्रयास करना चाहिए कि जब भी हम कोई काम करें तो हम भिक्खु और भिक्खुनियों की संख्या को हम बराबर बराबर रखने का प्रयास करें। और अगर हमें भिक्खुनियों की इतनी संख्या नहीं मिल रही है तो आप यहीं से जान जाएंगे कि भिक्खुनियों इतनी संख्या में नहीं है, तो अब बारी है कि हम लोग जो है अपने घर में से अपने परिवार में से जो लड़कियां चाहती हैं या महिलाएं चाहती हैं तो हम उन्हें ज्यादा से ज्यादा भिक्खुनी संघ में प्रवर्जित करने का प्रयास करें और पूरी तरीके से जो है भिक्खुनियों को हर तरह की जो फैसिलिटीज है वो हम प्रोवाइड करें और भिक्खुनी ट्रेनिंग सेंटर के लिए हम लोग प्रयास करें। बहुत बहुत साधुवाद रश्मि जी। आइए हमें तो जापान कोई भिक्खुनी दिखाई नहीं देती और भिक्खु संघ भी बहुत कम देखने को मिलता है। हाँ जापान में है, जापान में एक्चुअली एक अलग ही ट्रेडिशन है। जापान में जो है भिक्खुओं की संख्या भी बहुत कम है, भिक्खुनियों की संख्या तो बिल्कुल ना के बराबर है तो महायान है। एक्चुअली में जापान में ट्रेडिशन कुछ इस प्रकार का है कि वो भिक्षु जो है वहां पर वो खुद ही स्वयं ही वो जो है अपना अर्निंग करते हैं और फिर स्वयं ही वो बुद्ध विहारों में रह करके, वहाँ एक ट्रेडिशन बिल्कुल चेंज हो गया है। वो भिक्षु जो है विहार में रहता है लेकिन वो सुबह डेली अपना काम पर जाता है, अपना दिन भर में जो भी उसका काम है, बिजनेस है, चाहे वो ड्यूटी है, वो करता है और शाम को आकर वो जो धन अर्जित करता है उसी को वो बुद्ध विहार बनाता है और उसी से अपना जीवन यापन करता है। इसीलिए बहुत कम संख्या जापान में हमें देखने को मिलती है भिक्खु और भिक्खुनियों की, क्योंकि वहाँ लोग सपोर्ट अभी नहीं करते हैं क्योंकि वहां पर वज्रयान ज्यादा है, जो तांत्रिक यान हम बोलते हैं वो ज्यादा हावी हो गया है इसीलिए। अगला सवाल है, आपके जैसे कुल कितनी भिक्खुनी भारत में है? मेरे जैसे तो मैं एक ही हूँ। बाकी भिक्खुनी महाराष्ट्र में बहुत बड़ी संख्या में है भिक्खुनियाँ, फिर भी अगर हम लोग काउंट करने निकलेंगे तो मुझे लगता है 1000 से कम ही भिक्षुनियां हमें देखने को मिलेंगी, बहुत ही 1000 से कम मिलेंगी, 500-700 भिक्षुनियां हमें देखने को मिलेंगी अप्रोक्स। और यूपी में कई जगहों पर है लेकिन वो पूरी तरीके से ना तो प्रवर्जित हो पाए हैं और ना ही उपसंपदा प्राप्त कर पाए हैं, वो जिस भी तरीके से उन्हें जैसे साधन मिला वो वैसे रह रहे हैं। तो यूपी में और आपको इधर देखने को मिलेगा, बाकी हरियाणा में मुझे लगता है भी इस समय में 2 या 3 भिक्षुनियां हैं। तो टोटल मिलाकर मुझे लगता है 1000 भी भिक्षुनियां भारत में नहीं है। और जो उसमें से भी अगर हम कहें कि शिक्षित जो है, क्योंकि ज्यादातर भिक्षुनियां जो है वो गृहस्थ जीवन बिताने के बाद में आ पाए हैं, या तो शिक्षा का अभाव है या धम्म नहीं सीख पाए हैं या अभी तक जो है वो कहीं ना कहीं सांसारिक भावनाओं में, सांसारिक वेदनाओं में जीवन से जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं। तो अगर हम कहें कि बहुत ज्यादा जो शिक्षित हैं या जो धर्म का काम कर पा रहे हैं वो तो और भी कम संख्या से, 500 से भी नीचे आप लगाइए कि कोई भिक्षुनियां हो जी। और अगला सवाल है, जैन टीचर्स अलग होते हैं क्या? जी, जैन बुद्धिज्म का ही पार्ट है वो टीचर्स अलग। जापान में जैन बुद्धिज्म है और उनका जो कल्चर, एक्चुअली में सबकी टीचिंग्स जो है वो सेम ही है, जो भगवान बुद्ध ने टीचिंग्स दी वही है, सेम टीचिंग्स है, बस या तो उनकी लैंग्वेज चेंज कर दी गई है या उनके विनय में कुछ ना कुछ चेंज कर दिया गया है। तो जैन बुद्धिज्म के लिए तो आपको पूरा एक आर्टिकल मिल जाएगा, जैन बुद्धिज्म पे बुक्स भी बहुत सारी लिखी हुई है, तो आप जैन बुद्धिज्म को पढ़ सकते हैं, वो केवल जापान में है और कुछ एरिया में है आसपास की। अदरवाइज जो है वो टीचिंग सब सेम है, टीचर्स उनके अलग होते हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से अलग होते हैं जैन टीचर्स जी। इन सब के लिए आपको बहुत डिटेल में पढ़ना होगा, चाहे जैन बुद्धिज्म है या फिर आप जो विनय है, धर्मगुप्त का विनय है, मूल श्रावस्तीवाद विनय है, थेरावादा विनय है, तो ये बहुत डिटेल में है, सारी चीजें आपको पढ़नी होगी तभी इनका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। बेस वही है, मूल वही है, भगवान बुद्ध की शिक्षा ही है, बस उसको जो है अपने अपनी जियोग्राफिकल सिचुएशंस के हिसाब से और कहीं ना कहीं कंट्री के जो अपने कल्चर्स होते हैं, अपने रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन सब में किया गया है जी। आचार्य राजेश चंद्रा जो समन्वय सेवा संस्थान भारत से है, वो अपना प्रतिक्रिया लिख रहे हैं कि बोधगया में जो अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक संगायन के समय समन्वय परिवार के सौजन्य से आयोजित परित्त पाठ में उन्होंने पूज्य भिक्खुनी धम्मदीना जी को अग्र पंक्ति में स्थान रखते हुए पाठ किया था। पूज्य अय्या जी की उपस्थिति अपने आप में साक्ष्य है। बहुत बहुत साधुवाद सर आपके प्रतिक्रिया के लिए।
जी वहां पर यही हुआ था कि पहले राजेश चंद्र सर जी ने मुझे याचना की थी कि परित्राण पाठ मेरे द्वारा किया जाएगा, लेकिन परित्राण से कुछ समय पहले ही जो है वहाँ एक श्रेष्ठ पूजनीय भंते जी उपस्थित हुए, तो उन्होंने कहा कि भंते जी हैं, तो मैंने कहा भंते जी से आप याचना कीजिए, लेकिन क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं वही अंतर था कि वो जो पूजनीय भंते जी थे वो भिक्षुणियों को स्वीकार नहीं करते थे, तो मैंने कहा कि वो बैठेंगे लेकिन वो भिक्षुणियों को स्वीकार नहीं करेंगे, तो राजेश चंद्र सर जी ने बोला कि अय्या जी पहले आपने हमें परमिशन दी है कि आप परित्राण करेंगे, भंते जी बाद में आए हैं, तो हम भंते जी से बात करेंगे और हम आपको आगे बैठा कर रहेंगे वहां पर। तो इन्होंने भंते जी से बात की और भंते जी ने पहले हालांकि मना भी किया, लेकिन राजेश चंद्र सर जी ने भंते जी से याचना की कि पहले हमने अय्या जी का टाइम लिया था और अय्या जी के हिसाब से ही सारे परित्राण की व्यवस्था की गई है, भंते जी आप आए हैं हमारे लिए पूजनीय है इसलिए हम आपका आदर करते हैं, लेकिन अय्या जी भी वहां रहेंगे। तब भंते जी को बहुत ही कन्विंस करने के बाद में भंते जी ने अनुमति दी और फिर मैं भी वहीं पर परित्राण में अग्र पंक्ति में ही मैं बैठी और वहां पर परित्राण का हिस्सा मैं भी बनी और मेरे द्वारा भी कुछ संगायन वहां पर सूतों का पठन सूतों का संगायन किया गया। तो समन्वय परिवार ने ये पहल की थी, बहुत बहुत साधुवाद है राजेश नंदा सर जी का, और इसी प्रकार से जो है आप भिक्खुनी संघ को भी सपोर्ट करते रहेंगे ये आशा करती हूँ, और जिस तरह से आपका कार्य है तो कार्य निश्चित रूप से जो है भगवान बुद्ध के जो धर्म है उसको चिरायु बनाएगा, ऐसी भी मंगल कामना करती हूँ। साधु साधु साधु। मुझे कोई सवाल नहीं दिख रहा है या जी, ना ही चैट बॉक्स में और किसी का हैंड रेस नहीं है जी, अगर आपको कोई सवाल है तो टाइम हो गया है हमारे पास, लेकिन अय्या जी की अगर परमिशन है तो हम थोड़ा वेट कर सकते हैं, लेकिन आप जैसा चाहें। आप यदि यदि किसी को कोई भी प्रश्न याद नहीं आ रहा है या फिर आप जो आपने सुना है उसमें से कुछ अगर माइंड से कुछ छूट गया है तो आप YouTube पे जब इसका वीडियो आप देखेंगे आप उसे ध्यान से फिर से सुनिए, एक बार आप दोबारा सुनेंगे तो अच्छी तरह से आपके मन में वो सारी चीजें बैठ पाएंगी और तब हो सकता है कि आपके मन में कुछ प्रश्न जो है वो आए, इसीलिए मैंने व्हाट्सअप नंबर अपना छोड़ दिया है कि अगर आपको बाद में भी कोई प्रश्न आता है तो आप निश्चित रूप से जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं तो फिर मैं आपका आंसर वहां पर मिल जाएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप पर चैटिंग का भी आपको दिया गया लिंक तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहां पर भी कोई अगर आपका प्रश्न होगा तो वहां पर आपका समाधान हो जाएगा। जी सीमा थूल, सीमा थूल जी का जो है हैंड रेस दिखाई दे रहा है, आपको अनम्यूट कर दिया है सीमा थूल जी। बंदामी आर्या जी, मुझे साधु बहुत बहुत अच्छा लगा कि फर्स्ट टाइम मैं इतना अच्छा सुन रही हूँ आपसे, मैंने बिल्कुल भी नहीं सुना कि भिक्खुनियों को इतनी समस्या है, थोड़ा पता था पर इतना ज्यादा नहीं बताया था, आपने बहुत डिटेल समझाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत साधुवाद, और भी सुनना चाहूंगी हर बार। और वो नंबर नहीं, लिंक ज्वाइन नहीं हो रहा है वहां पे कैसे, ये व्हाट्सएप नंबर क्या है आप ऐसे बोलोगे? मेरा व्हाट्सएप नंबर सेपरेट है और ग्रुप का जो लिंक है वो अलग है, तो मैं दोबारा से एक बार टाइप कर दे रही हूँ, ऊपर चला गया होगा चैटिंग में कहीं, मैं जो कॉपी कर देती हूँ, वो जॉइन नहीं हो पा रही मैं अभी, तो करने देखा था पर नहीं हुआ शायद से, एक बार फिर से टाइप कर दीजिएगा, ये लिंक दोबारा से आपको सेंड किया गया है तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। आपका ये जो आपका कर दिया है मैंने फिर से, अच्छा मेरा भी भेजा है क्या? बहुत 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 अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। जी 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 साधु साधु साधु, महिलाओं की ही जरूरत है हम लोगों को भिक्खुनी संघ को बढ़ाने के लिए, पुरुष तो करेंगे ही, तब जब महिलाएं आएंगी तो फिर पुरुष अपने आप आएंगे, क्योंकि पहले पुरुष आगे नहीं आ सकते हैं, यदि पुरुष आगे आएंगे तो फिर से शासन जो है नष्ट होने लगेगा, विनाश की तरफ जाने लगेगा, तो पहले महिलाएं जब घर से आएंगी तब उनके पीछे पुरुष आएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और कोई सवाल नहीं दिख रहा है भैया जी, तो जी आपकी अनुमति हो तो हम समापन की ओर बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल, हमें आज बहुत बहुत साधुवाद अय्या धम्मदीना जी जो हमारे इस सत्र पे आई, हमें इतनी नई जानकारी और इतनी इतनी कठिनाई से जो भिक्खुनी संघ की स्थापना हुई और आज जिस इसमें जो चतुपरिसा है भिक्खु भिक्खुनी और उपासक और उपासिका, ये जो चार स्तंभ है तो उसमें भिक्खुनी का कितना बड़ा रोल है और वो किस कठिनाई से ये
यह स्तंभ जो है अपना संभाल के रखी है, इसके बारे में हमें जो जानकारी मिली है, हम आपको फिर से सुनना चाहेंगे किसी और विषय पे, तो हमें बिल्कुल हम आप आपको आमंत्रित करेंगे फिर से इस मंच पर। तो बहुत बहुत साधुवाद करते हैं, साधुवाद उन सभी उपासक और उपासिकाओं का जो आज हमसे जुड़े हैं। हम ये सत्र हर हर हफ्ते हम कोशिश कर रहे हैं कि हम निरंतर बनाए रखें इस परंपरा को कि हम धम्म सुने, तो आप इससे जुड़े रहे और इसकी पूरी जानकारी हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी देते हैं और लिंक भी बाकी और ग्रुप में भी शेयर करते हैं। तो अय्या जी, हमें जो हमने आज धम्म सुना इसके लिए आज हमें आप अनुमोदन कीजिए जो हमने पुण्य कमाया। साधु साधु साधु, आप सभी का खूब खूब साधुवाद है और अभिनंदन है कि आप लोगों ने धम्म श्रवण किया, भिकुनी संघ के इतिहास और भिकुनी संघ के संघर्षों के बारे में जाना, साथ ही साथ में भगवान बुद्ध के धम्म को चिरायु बनाने हेतु चारों स्तंभ कितने मजबूत होने चाहिए और कितना महत्वपूर्ण है चारों स्तंभों को मजबूत करना, इसका महत्व भी आप लोगों ने जाना। और इसी तरह से आज जो आपने संकल्प लिया है वो परिपूर्ण हो कि भगवान बुद्ध की चतुपरीसा पूरी तरीके से मजबूत हो, ताकि भगवान बुद्ध के जो धम्म है वो हमारे सर पर छत की तरह, साए की तरह हमारे छत पर रहे, सर पर रहे, यही हम मंगल कामना करते हैं आप सभी के लिए। फिर से आज माघ पूर्णिमा के अवसर पर, उपोषण दिन के अवसर पर अनंत मंगल कामनाएं करते हैं, ताकि आपकी ये पूर्णिमा, जिस प्रकार से पूर्णिमा का चंद्र पूरे संसार को प्रकाशमान करता है, उसी प्रकार से आप जो निरंतर धम्म श्रवण कर रहे हैं, धम्म श्रवण से प्राप्त प्रज्ञा से आप भी अपने अपने परिवार और अपने समाज को पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति ही प्रकाशमान करें, ऐसी मंगल कामना करते हैं। उपेक्षा सहगतं ज्ञानं संपयुतं असंखारिकं कामावचरा महाकुशलचित्तं साधु साधु साधु। मुझे लगता है थाईलैंड से उपासक सुरचय अंचन जी भी जुड़े हुए हैं और हिंदी में देखना थी, शायद उन्हें समझ में नहीं आया होगा कुछ भी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है वो जुड़े हैं। आउसो आउसो संति, मैं अनम्यूट कर देती हूँ। ओके, या सो डिड यू अंडरस्टैंड एनीथिंग? आई थिंक यू आर म्यूट। हिस्ट्री ऑफ बुद्धिस्ट भिकुनी ऑल ओवर, लाइक फ्रॉम महाप्रजापति टू अप टू नाउ, and I talk all about the history in Burma, in Thailand, in Sri Lanka, the history of bhikkhunis in all these Theravada and Mahayana countries as well. So, and I heard your Deshna also that you gave from last, like, I think 4 weeks, the whole January, yes? It was so, very, very was compassionate. It was wonderful that you are doing more than me in this age. No, we don't know. I'm only upasak. but you are doing dhamma work like very patiently, and in this age it is very difficult for you to do that. I know, I understand you because I have seen you, I have been with you, so I know how difficult it is for you. Like you have you are not well always, you are taking a lot of medicines and everything, but still you are doing a good dhamma work, and I just want to say that may you get the visati aryamaka visati samanya phala and nibbana in this life.
साधु 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 अनुमोठामि इनकी जो उपासक जो है, इनकी जो पत्नी, पूर्व पत्नी है, वो भिक्षुनी है, हमारे ही संघ में भिक्षुनी है, और वो भी भिक्खुनी पातिमोख है, वो भी उन्होंने भिक्खुनी पातिमोख याद किया हुआ है, और वो पिछले आई थिंक 5-6 सालों से जो है वो भिक्खुनी हमारे संघ में ही है, हमारे सीनियर है। टेक बहुत बहुत साधुवाद। केयर एंड वी विल सी यू सून अगेन। ओके, आई एम लुकिंग फॉर दैट। ओके भैया जी, अगर आपकी इजाजत हो तो हम ये सेशन एंड करें या फिर और जी, कुछ आपको। मुझे लगता है अभी समय भी हो गया है और सभी लोग जुड़े हैं, तो सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर भी अगर कोई प्रश्न होगा तो आप लोग या तो व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर मुझे पर्सनली भी आप मैसेज कर सकते हैं और सभी को आंसर मिल जाएगा। सभी के लिए फिर से एक बार मंगल कामनाएं। साधु साधु साधु। साधु, हम ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं। सभी को जी नमो बुद्धाय।